क्लियर करके दो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर जतर श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। श्री राजेंद्र प्रभु जी अपना घर में ये श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिप्रीत बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्य तथा भागवतम लब्धम। यदि भागवत सुनने का हमें कब ये सौभाग्य प्राप्त होता है, कहते एक नहीं बोले जन्मांतरे मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब कोई पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहा करते थे बोले जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा भी बल हो जो काम को हम करा देते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में लोग हमें मदद करने वाले हैं जो काम को हम करवा सकते हैं। लेकिन जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर कुछ भी नहीं हो तुम्हारे पास तो मन की बल है जो काम को तुम करा सकते हो। लेकिन गुरु जी कहते थे जगत में सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मबल है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर तुम्हारे पास में आत्मबल हो जो काम को तुम करवा सकते हो। लेकिन गुरु जी कहते हैं ये भागवत कथा रखना और ये भागवत कथा सुनना न तो कोई धन की बल पर कर सकते न तो कोई जन की बल पर कर सकते न तो कोई मन की बल पर कर सकते न तो कोई आत्मा बल पर कर सकते हैं। जब तक गुरु जी और ठाकुर जी की कृपा बल नहीं होना तब ये भागवत कथा कोई सुन भी नहीं सकते कोई कथा के ही करवा नहीं सकते। इसलिए जब घर में भागवत कथा हो तब स्वर्ग में जितने हमारे पूर्वज लोग गए वो हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम आगे सुनेंगे ये धुंधुकारी की जब प्रेत ज्योति की प्राप्त हुआ उसको गया में पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं मिली। उनको हमारे शास्त्र का नियम है ठाकुर जी स्वयं बताए मरने का बाद गया में पिंड देते हैं ना भगवान खुद बोले अगर कोई गया में आकर के नाम पर पिंड दे तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब धुंधुकारी मरने का बाद जब गोकर्ण ने गया में पिंड दिया आकर के देखा फिर भूत बन कर बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दे कर आया तेरे उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया मैंने इतने पाप किया है अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना मेरी उद्धार होगा मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे जब ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाए ये भागवत कथा से ही उनको मुक्ति मिली। इसका मतलब अगर कोई पाप योनि में पढ़ करके अगर भागवत कथा सुन करके मुक्ति मिले हम तो जिंदा जिंदा है हम तो साक्षात रूप में भागवत कथा सुन रहे हैं। इसको कथा सुनने पर जरूर हमें भी ये संसार से उद्धार होएगी और जरूर ठाकुर जी चरण में हमें भक्ति मिलेगा और ठाकुर जी की प्रेम हमें जरूर मिलेगा। इसलिए बड़े भाग्य से कोई ये भागवत कथा रखा सकते हैं और बड़े भाग्य से कोई कथा को सुन सकते हैं। प्रसिद्ध भागवत कथा कोई जय कोई जय बोल रहे जोर से बोलो जो जितने जोर से भागवत की जय जयकार करेगा उसका उतना पाप कटेगा जगत में इतना ही भक्ति मिलेगा। जयकार खाली तो थोड़ी है उनका तो जयकार है ही है बल्कि उनको जो जयकार देते हैं आपका ही जय होगा। किसका जय होगा बोले जय देने से अपना जयकार है। जय जोर से बोलो बोले श्रीमद् भागवत कथा यदि जो श्रीमद् भागवत कथा है बोले तमादि देवम करुणा निदानम कमाल वर्णम सुहृदावतारम
अपार संसार समुद्र से तुम भजा मही भागवतम स्वरूपम। यहाँ पर से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक में ये भागवत है क्या जी, ये भागवत को एक श्लोक में भागवत की महिमा को बता रहे हैं। बोले तमाहि देवम करुणा निदान, बोले ये भागवत है क्या चीज है। बोले जो भागवत ग्रंथ है ये कृष्ण स्वयं ही ये भागवत बन कर गया, ये और कोई नहीं। जैसे भगवान कभी मत्स्य अवतार में उन्होंने पैर भी उधार किया, जैसे कुर्मा अवतार में उनको पीठ के ऊपर में मंदार जल पर पर्वत रखकर के मंथन हुआ है, कहते बराहा अवतार में ठाकुर जी ये पृथ्वी को उधार किया, नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद को रक्षा करके श्री हिरण्यकश्यप को वध किया, वामन अवतार में उन्होंने क्या किया बलि महाराज के ऊपर में कृपा किया, रामा अवतार में रावण को मारा। जैसे एक एक अवतार धारण करते हुए भगवान जैसे जगत का धर्म को स्थापन करके अधर्म को विनाश करते हैं, लेकिन ये भागवत रूप में ठाकुर जी क्या किया है, ये तो भगवान कृष्ण स्वयं जब ये संसार छोड़ करके चले गए, ठाकुर जब ये जगत छोड़ करके जा रहे थे वहाँ पर उद्धव भी वहाँ पर थे, बोले तो प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, अभी मेरा क्या है, मैं क्या करूँ। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में रहूँगा। बोले प्रभु आप कलयुग में किस रूप में रहोगे, बोले तेन अयम बांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। भगवान स्वयं ये शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में ठाकुर जी रहे। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेगा, बोले भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, इसलिए आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, किससे मिल रहे हो, कांके बिहारी से मिल रहे हो, ठाकुर जी को साथ नहीं मिल रहे हो, इसलिए कहते हैं हरि कहाँ पर है, बोले हरि कथा है, हरि और कहीं नहीं, मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते हैं नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु कहाँ रहते हो, बोले जहाँ पर ये भागवत कथा होती है मैं वहीं रहता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की, इसलिए बोले तमादि देवम। जैसे भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण जितने सारे अवतारों का जो मूल कारण है ये भगवान कृष्ण है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले कृष्ण कौन है, अनादि की जो आदि उनका जो मूल है, उनका जो मूल है उनका सबका आदि भगवान श्री कृष्ण है। कहते उसी तरह कहते ये भागवत क्या है, ये भागवत ग्रंथ होकर बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्रान। तो जितने वेद पुराण उपनिषद है भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष उपसौ वेदार्थ परिवृत्त, जितने वेद सब जितने शास्त्र है अगर उसको मंथन करोगे ना, जैसे दही को मंथन करने पर क्या निकलता है, क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, उसी तरह अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन करोगे अगर उसका कोई सारांश निकलेगा ना, तभी ये श्रीमद् भागवत। इसलिए कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर जीवन में अगर ये भागवत रस को एक बार कोई आस्वादन कर ले, फिर उसको और किसी चीज को सुनने के लिए, कोई ग्रंथ को सुनने के लिए उसको कोई इच्छा नहीं होगी। इसलिए भागवत समस्त शास्त्र का जो निचोड़ है कहते ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए बोले तमादि देवम, समझ जैसे आदि देवता कृष्ण है तब ये भागवत भी कौन है, कहते समस्त शास्त्र का निचोड़ श्री भागवत। तमादि देवम करुणा निदानम,
फिर जैसे भगवान कृष्णा बड़े दयालु ठाकुर जी, बड़े कृपालु ठाकुर जी, इसलिए कहते हैं ना हे कृष्ण करुणा सिंधु। भगवान क्या है? करुणा की समुद्र है। बोले दीन बंधो, दीन को ऊपर में ठाकुर जी दया करते हैं। उसी तरह से भागवत क्या है? बोले भागवत ये बड़े दयालु, ये बड़े कृपालु, ये भागवत है। क्योंकि कृष्ण ही कलयुग में जीव को कल्याण करने के लिए, जैसे सूरज जैसे डूब जाने पर क्या होता है, अंधकार छा जाता है, चोर डाकू गुंडा बदमाश का राजत्व होता है, लेकिन सूर्य जैसे उदय हो अंधकार दूर हो जाते हैं। कहते उसी तरह कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जब ये घोर कलयुग आ गया, कृष्ण ही कलयुग को जीव को पर में कल्याण करने के लिए पुराण की जो सूरज उदय होकर के सारे अज्ञान सारे अंधकार को ये भागवत दूर कर दिया। इसलिए आप लोग देखोगे सात्विक बाद में ना हमारे हृदय में जितने अंधकार हैं, हृदय में जितने अज्ञान हैं, जब ये भागवत कथा सुनोगे देखोगे सारे अज्ञान सारे अंधकार हृदय से दूर हो जाएगी ये भागवत कथा को जब श्रवण करोगे। इसलिए कहते जो भागवत है वही करुणा कृपा की जो मूर्तिमान ये भागवत है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदि कवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्म जानति स्वद्रोहति। देखो ये भागवत सुनने का कितना महत्व है। कहते श्रुत अगर कोई भागवत कथा श्रवण करे इंद्र कल्याण नहीं बोले अनुपठित अगर कोई भागवत ग्रंथ को पढ़े बोले उनका भी कल्याण है। अगर कितना भी नहीं हो सके बोले आदिर तवा अनुमोदित। जैसे श्री राजेंद्र जी के घर में कथा हो रही है, यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति इतना अगर बोल देना भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात, भागवत कथा होनी चाहिए। अगर ये भी कोई बोल तो कहे मैं तो नहीं जा पाऊंगी, तू चल जा तू कथा सुन कर आ जा। अगर इतना कोई बोल दिया ना कहते जितने बड़े पापी हो व्यक्ति क्यों नहीं हो, कभी यहाँ तक भी अगर कोई विश्वद्रोह अगर कोई देवता को भी कोई द्रोह अगर किसने किया किया नहीं कहते सत्य सुनाति सद्धर्म, केवल इतना बोलने का मात्र से ही वो समस्त पाप से मुक्त होकर के अपना आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। हैं सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी। वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, धुंधुकारी जैसे व्यक्ति जिनको 100 बार पीटे देने पर भी उद्धार नहीं हुआ अगर उसको उद्धार हो सकता है अरे हमारे क्या उद्धार नहीं हो जाएगा, जरूर हम लोगों का उद्धार होगा। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा अपार संसार समुद्र से उदाहरण दिया है। ये संसार जो समुद्र से संसार मतलब क्या है, ये संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई पैसा से दुखी होगा, कोई पड़ोसी से दुखी होगा, कोई अपना धंधा से दुखी होगा। कभी संसार में जितने दुख कष्ट हैं अगर ये भागवत कथा कोई सुने ना उसका समस्त दुख दूर हो जाएगी। और क्या होगा समुद्र सेतु उदाहरण देते हैं, जैसे कोई ब्रिज बना हुआ हो, ये संसार का उदाहरण दिया कि जिसकी कोई जन्म मृत्यु का कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर ये भागवत कथा कर कोई सुन लेना, कथा सुनने से क्या होगा कि ये संसार रूपी समुद्र से जैसे सेतु के ऊपर में चलते चलते कोई पार हो जाते हैं, अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो क्या होगा ये संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा।
इसलिए हम आगे सुनेंगे जब श्री सुखदेव परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दे दिया, तुमको सप्तम दिन में तक्षक तुमको दंशन करेगा। जब श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को पास में आए, सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई यज्ञ तपस्या ध्यान जो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो केवल यहाँ बैठ जाओ और बैठ करके केवल भागवत कथा सुनो। ये भागवत कथा सुनते सुनते तुम ये संसार से पार हो जाओगे। जब तक तुमको ये पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए मैं संसार के समुद्र से समस्त दुख कष्ट से उत्तीर्ण होकर के भगवान के चरण को प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम भी कथा सुनते तो आप देखना सातवीं बात में है तो सबके लिए एक जरा ख्याल खा लेनी चाहिए। कहाँ से आएगा? तो ठाकुर जी के धाम से आएगा। कहाँ से आएगा? अगर रथ आ जाए आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे? कौन चलेगा आप? सही सही है, सब चलेगा। अगर सचमुच से रथ आ गया यहाँ एक भी नहीं बैठेगा तो धाम में बोले बेटा है मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, हमारे परिवार में अभी ये समस्या, अभी ये काम करते हैं, पति को रोटी कौन खिलाए, पति को रोटी कौन खिलाए। इसलिए कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो। हाँ, ये कथा सुनते सुनते जब तक हमारे संसार का समस्त आसक्ति हमारी खत्म नहीं हो जाती है ना, तब तक कोई रात आने वाली नहीं, कोई चिंता मत करो और ध्यान से कथा सुनो और कथा ठीक से सुनोगे ना, इसी संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाओ, संसार से पार हो जाओ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए आज हम लोगों का बड़े सौभाग्य का दिन है जो हम सबके सब यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये भागवत कथा कितने दुर्लभ होता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गीय सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अग्रसम अतः पिबन्तु सद्भाग्य। यहाँ पर कह रहे हैं आज जो सौभाग्य हमें मिला है, कहते स्वर्ग में अगर देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी ये सौभाग्य। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, घर घर में जितनी भी देवता वहाँ पूजा करते हैं, तो देवताओं को पूजा करते हैं, ये 33 करोड़ देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए। बोले हे सुखदेव गोस्वामी आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुना रहे हैं? इसलिए इनको तक्षक दर्शन करके अभिशाप दिया इसलिए सुना रहे हैं। हाँ बोले हम स्वर्ग से अमृत लाए, लो ये अमृत कलश ले, अगर इसको मिला तो ना ये अमर बन जाएगा। लेकिन ये जो भागवत कथा सुनाने जा रहे हो ये कथा हमें सुना, लेकिन देखो ये भागवत कथा कितने महत्व है। 33 करोड़ देवता क्या लेकर के आए? खाली आदमी नहीं आए, क्या लेकर के आए? अमृत को लेने के लिए आए, पूरा अमृत कलश लेने के लिए आए हैं। जो समुद्र मंथन में इतने कष्ट से जो अमृत कलश को उन्होंने प्राप्त किया है वो अमृत कलश को लेकर के आए, बोले इसको ले लो और इसका विनिमय में हमें भगवान की कथा हमें सुना दो। लेकिन देखो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, देखो क्या उदाहरण देते हैं, बोले को काच को मणि मान, अगर कोई काच की टुकड़ा लेकर के आए आपको दे, बोले आपको पास में जो मणि है स्पर्श मणि दे दो, आप दे दोगे? इसलिए वो उदाहरण देते हैं को काच को मणिर महान, कहाँ ये भगवान की कथा है, ठाकुर जी का कथा कैसे मणि और स्वर्ग का जो अमृत कैसे है, कभी एक टूटे फूटे जैसे काच जैसे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको तथा देवा जहा ससा देवता को वहां से खदेड़ दिया, और ये भागवत कथा तुम नहीं सुन सकते। हाँ तो ये चीज को समझो, कहते स्वर्ग का देवता लोग भी अमृत का विनिमय में कथा नहीं सुन सकते। इसका तात्पर्य यह है जो व्यक्ति बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे ना, कहते लोग देवता से भी बड़े हो, बस रही
आप लोग देवता से भी बड़े हैं, क्योंकि देवता भी ये सौभाग्य नहीं मिला कथा सुनने का, लेकिन आप लोग बैठ कर कथा सुन रहे हो तो देवता से बड़े हो गए कि नहीं? बोले देवता से बड़े हुए कि नहीं? लेकिन हम देवता से भी बड़े हैं, क्योंकि ये भागवत कथा हम सुन रहे हैं। कभी ये देवता की बात छोड़ दो, बोले सत्य, सत्य मतलब जहाँ पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, हैं? कभी जो सत्य लोग हैं, कहते भूर भूव मोह जन जन तप सत्य, ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा जो राज्य है, कहते सत्य लोग हैं, कहते वहाँ पर भी ये कथा नहीं है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बात को कहते हैं, अब ये बच्चे लोग पीछे लेकर बैठ जाए, आपको बच्चे रूम में बैठ जाए, बच्चे रूम में बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए, मेरे रूम में इसको छोड़ देना, खेलते रहना, अभी बच्चा है ना, उसको ले जाओ पीछे मेरे रूम में बैठ जाओ, अंदर में बैठ जाए उसको छोड़ देना, उधर में खेलते घूमते रहना, ठीक है? एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 इसे मरते जगत में कथा सुनने के लिए आते हैं। कहते ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कहते कैलाश से, बोले भैया ये कैलाश में भी ये कथा नहीं, अगर कहीं कथा होना, शंकर जी कैलाश छोड़ करके भी कथा सुनने के लिए आते हैं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ है नास्ते अमरसा, आज जो कथा सुनने को हमें मिल रहा है, कहते ये वैकुंठ में भी ये कथा नहीं। देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले गाया ओ गरुड़ा जहाँ बस ए भुसोना, गाया ओ गरुड़ा जहाँ बस ए भुसोना, गाया ओ गरुड़ा जहाँ बस ए भुसोना, राम चरण राम चरण राम हरे कृष्ण हरे
श्री राम। हाँ देखो एक चीज को समझो, जब श्री शंकर जी कथा सुनने के लिए आए हैं, देखना वो अकेले नहीं आए, किसको लेकर के आए थे बोलो, किसको लेकर के आए, पार्वती को लेकर के आए। जब ब्रह्मा आए हैं वो कथा सुनने के लिए, वो भी अकेले नहीं आए, किसको लेकर के आए, अपना ब्रह्माणी को लेकर के आते हैं। जब देवता लोग कथा सुनने के लिए आए हैं वो भी अकेले कथा सुनने के लिए नहीं आए, किसको लेकर के आए, अपना देवियों को लेकर के आए। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जैसे तुम देवियाँ कथा सुनने के लिए आए ना, तुम्हारे अपना देवताओं को भी लेकर के आनी चाहिए। और अगर देवता लोग मतलब पुरुष लोग भी आए, वो भी अकेले नहीं, अपना पत्नी अपना देवियों को लेकर के आए। बोले ऐसे क्यों, कारण किया है, हम जोड़ा होकर कथा क्यों सुनने आए, इसका कारण है जैसे तुम लोग कथा सुनने के लिए आए। देखना 7 दिन में इतने ज्ञान तुम्हें मिलेगी, इतने ज्ञान तुम्हें मिलेगी, पता चलेगा भैया ये जीवन क्या है, कैसे 84 लाख जन्मों के बाद में ही एक बार मिला है। ठाकुर जी बारंबार ये जीवन ठाकुर जी नहीं देते हैं, और इसी जीवन में ही हम भगवान की भक्ति करके ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए हम ठाकुर जी को इसी जीवन में जा सकते हैं। फिर आप क्या करो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए प्रभु की भजन में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। अगर तुम लोग प्रभु की भक्ति भजन माला करना शुरू किया, अगर तुम्हारी देवता लोग नहीं आए, तुम्हारी पति लोग नहीं आए ना, बोले कौन सा बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं, पहले बोलते थे सिनेमा ले चलो, अभी कहते सत्संग में चलो, वृंदावन चलो, अभी समय मिलते गीता भागवत और माला लेकर बैठ जाती हो, बोलेगे कि नहीं, बोलो सही कि नहीं, बोलेंगे। अगर पुरुष लोग आए, अगर स्त्रियां नहीं आए, उनको भी ये ज्ञान मिलेगा। कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनो सुलभ न सही। अगर पति लोग आए, अगर उनको पर जरूर रंग चढ़ेगा तो फिर क्या होगा, पति लोग जब माला करेंगे पत्नी क्या बोलेगी, बोले घर का कोई काम धाम नहीं, जब लिख तो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, हैं कोई गीता और माला लेकर बैठ जाते हो, फिर पत्नियां क्या करेंगी, वो भी ताना मारेगी। इसलिए अगर दोनों कथा में आओगे, दोनों को ऊपर रंग चढ़ेगी, फिर गाड़ी बढ़िया चलेगी, गाड़ी बढ़िया चलेगी। दोनों मिलकर के सत्संग में जाओगे, दोनों समय होगा तो गीता रामायण पढ़ोगे, बस। जिस घर में भगवान की भजन कीर्तन होना, वो घर नहीं वही घर ही भगवान धाम हो जाए, वही वृंदावन बन जाएगा। जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा कीर्तन हो, वो भगवान की धाम बन जाएगी, देख लेना है। वो घर में सारे शांति सुख सुविधा, उस घर में ठाकुर आ गए ना, घर में हरि भजन हो रही, घर में हरि की भजन हो रही। इसलिए कथा अकेले नहीं, कथा क्या करो, कल देवता को लेकर करना सबके साथ। देखो और एक चीज समझो, आज तो संडे था, कल लगता है थोड़ी काम पड़ेगा, उनको पतियों को बोल देना जब काम से आ जाए ना, बोले सीधा कथा में आ जाओ। देखो माताओं का सबसे ज्यादा दायित्व है घर में रोटी पानी कौन बनाए, है ना, लेकिन यहाँ कथा को बाद में हमारे प्रभु जी प्रसाद की, राजेंद्र प्रभु जी प्रसाद की व्यवस्था की, बोले घर में जाकर के भोजन करने का कोई जरूरत नहीं, कथा सुने ही पर कथा विश्राम हो जाएगा, उसको बाद में बढ़िया पूरी सब्जी हलवा बन रहे, कभी खीर बनेगा, कभी कढ़ी चावल मिलेगा, बस प्रसाद भी मिल गया, कथा भी मिलेगा, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, ठीक है ना। कल अपना देवता को लेकर के आओगे कि नहीं, सब लेकर के आओगे, कौन कौन लाएगा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो यहाँ पर हम भागवत कथा की महिमा को सुन रहे थे, क्या महिमा सुन रहे थे, जो सौभाग्य देवता को भी नहीं मिला, जो सौभाग्य ब्रह्मलोक में भी नहीं, जो सौभाग्य सीमलोक में भी नहीं, और जो सौभाग्य वैकुंठ में भी नहीं, आज ये सौभाग्य आज हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो कि बैठ करके ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। बस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, तुम लोग जय ठीक से नहीं कह रहे, जोर से बोलो, बस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को यही बात कह रहे हैं, हैं क्या कहते हैं, बोले सत संगति
दुर्लभ संसारा। दुर्लभ है जगत में, बड़ा दुर्लभ ये भागवत कथा। निमिष दंड भर एको बार पार्वती, अगर ये मानव शरीर पा करके ये भागवत अगर एक निमिष कितना, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी से पुण्यात तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। अगर जीवन में थोड़ी समय अगर भागवत कथा सुनने को मिल जाए, कत करोड़ों करोड़ जन्म का पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगा है, करोड़ों करोड़ जन्म की पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए पार्वती ये भागवत कथा जगत में बड़ा दुर्लभ है। देखो पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु आप कह रहे हो ये भागवत कथा दुर्लभ। बोले हाँ, बोले देखो राजेंद्र जी के घर में कथा हो रही कि नहीं, कथा हो रही कि नहीं, आप दुर्लभ कैसे बता रहे, तो सुलभ है। इन्होंने घर घर में प्रोग्राम दिए हो, बोले होंगे मेरे घर में कथा होगा, आप कथा सुनने के लिए आओ, फिर प्रसाद की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। कहते आपने बताया दुर्लभ, तो सुलभ है, अब दुर्लभ कहाँ है। शंकर जी देखो, शंकर जी कितने महत्वपूर्ण कहते हैं, क्या कहते, बोले पार्वती बोले आबत सरअती कठिनाई, शंकर जी कहते पार्वती देखो ध्यान देकर सुनो, जो कथा सुनने के लिए आते इसका क्लियर करो भैया माइक वाले। इसलिए कहते आप यही सारा अति कठिनाई। शंकर जी कहते पार्वती कि जो भागवत कथा में ना बड़ा कठिन यहाँ पर आना है, अरे जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पार्वती, इसको थोड़ा क्लियर करो इसलिए इसका एक थोड़ा कम कर दो इधर दो, इसलिए और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो भागवत कथा है ना, जब तक प्रभु का कृपा नहीं हो वहाँ पर कोई नहीं आ सकता, और अति कठिनाई बड़ा कठिन यहाँ पर आना है। लेकिन अगर आपको पता चले यहाँ ऐश्वर्या राय आ रही है, हेमा मालिनी यहाँ पर आ रही है, शाहरुख खान आ रहा है, सलमान खान आ रहा है, आप देखो प्यार प्यार रखने का जगह बोलो, मोहन नगर में यहाँ प्यार रखने की जगह मिलेगी बोलो, नहीं मिलेगी ना। किसको थोड़ी सी हिंट लग जाए ना, हजार लाख लाख लोग पता नहीं कितने दूर से अगर पता चल गया मोहन नगर में आ रही है, कितने लोग सबके सब इकट्ठे हो जाएंगे। वो आने से पहले एक घंटा दो घंटा पहले अगर टिकट भी 1000 रुपया को ना 1000 रुपया देने के लिए भी तैयार है, हम इन लोगों को देखेंगे। लेकिन ये जो भागवत कथा है, कहते जो भागवत कथा है
कहते भैया ये भागवत कथा में सहज में नहीं आएंगे, ये कथा में सहज में नहीं आएंगे। कौन कह रहे हैं? ये शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं। बोले पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई, अगर किसको बोलो ना इतने बहानाबाजी बनाएंगे, नहीं काम नहीं था, टाइम नहीं मिला, घर का काम पड़ गया, अमुक हो गया, अमुक हो गया, लेकिन कोई हीरो हीरोइन आ जाए सारे काम पीछे हो जाएगा, सारे काम पीछे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हीरो हीरोइन आगे आ जाएगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बड़े किस्मत वालों को यहाँ पर आते हैं, साधारण नगर नहीं आते हैं। बताओ मोहन नगर में कितने लोग हैं, बता कितने लाख लोग होंगे, आप कितने लोग यहाँ पर आए हो, कितने लोग आए। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जहाँ पर होई पाप कही यह संगत सोई। कौन कौन यहाँ पर आए हैं? मतलब जिसको ऊपर में ठाकुर का कोई विशेष कृपा हो गया, ठाकुर जी की कृपा हो गया। उदाहरण दिया जैसे तुम्हारे घर में शादी हो रही है, तुम्हारे घर में शादी है, आप बताओ शादी में कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण कार्ड दो, अगर कोई अमेरिका में हो ना, लंदन में हो, फ्रांस में हो, अगर आप उसको निमंत्रण दोगे देखना वहां से वो आएगा, लेकिन तुम्हारी घर को पास में न दीवाल का इंची है, न इंची दीवाल है, उसको पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, आप उसको निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हारे घर में आएगा? बोलो आएगा कि नहीं? आएगा नहीं ना, क्यों? आप उसको निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में कौन आया? तो ठाकुर जी इसको निमंत्रण दिया, ठाकुर जिसको निमंत्रण दिया वही केवल यहाँ पर आए, ठाकुर जिसको नहीं बुलाया ना कोई नहीं आए, यहाँ पर नहीं आए। देखो ये दो पति पत्नी आए और कोई कोई बड़े बड़े दूर से कोई कोई आए, क्योंकि ठाकुर जी उनको निमंत्रण दिया है, ठाकुर जी निमंत्रण दिया तभी आए, ठाकुर निमंत्रण नहीं देगा ना यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। कौन कह रहे? श्री शंकर जी कहते हैं बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ देखो हम जो भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, आप लोग बोलोगे भैया यहाँ पर दो दो तीन तीन घंटा चार चार घंटा बैठेंगे, हमें क्या लाभ है? कलयुग का जीव है ना, सबसे पहले फायदा देखते हैं कुछ माल मिलेगा कि नहीं है, अगर इसमें माल मिलेगा ना वो काम को सबसे पहले करेंगे, अगर इसे माल नहीं मिलेगा कोई करेगा नहीं। हम कलयुग का जीव फायदा ढूंढते हैं, बोलोगे भैया कथा सुनने से क्या मिलेगा? तब श्री राधा रानी कहती हैं ये कथा से जितना तुम्हें प्रॉफिट, जितना तुम्हें लाभ मिलेगा ना, दुनिया में कोई भी काम से तुमको इतना फायदा नहीं मिलेगा, ये कथा से तुम्हें जितना लाभ मिलेगा। कहती ये बात कौन कह रहे हैं? बोले राधा रानी कहती हैं अगर तुम ये कथा सुनोगे तो कितना लाभ मिलेगा? बोले तुमको 7 लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? बोलो जोर से 7। बोले 7 लाभ क्या मिलेगा? अब लोग गिन गिन कर देख लो। ये राधा रानी कहती है ये 7 लाभ क्या मिलेगा? बोले तब कथा मृता जी के बना।
ये शंकर जी अमरनाथ में सर्वप्रथम माता पार्वती को कथा सुनाई। हम लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? कोई गए नहीं? कोई नहीं गए? और कौन जाना चाहते हो हाथ उठा? कोई जाने के लिए भी नहीं चाहते। इसलिए इसलिए आप लोगों को सब अमरनाथ हम ले चले। अभी जो कथा सुन रहे ना, ये कथा ही अमरनाथ है। ये कथा को जो सुनेगा वो अमर को कथा सुन लिया मतलब तुम्हारा अमरनाथ जाना तुम्हारी हो गया है। इसलिए कहते हैं ये शंकर जी सर्वप्रथम माता पार्वती को उन्होंने ये अमरनाथ में ये कथा सुनाई। तभी ये कथा सुन करके माता पार्वती हैं ये अमरत्व को प्राप्त किए। इसलिए माता पार्वती शंकर जी से पूछे, बोले प्रभु जगत में आप अमर कैसे बने हो? शंकर स्वयं कहते, बोले पार्वती जब से मैंने ये भागवत कथा रूपी अमर बटी को पान किया ना, तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की। इतने में माता पार्वती कहती है, प्रभु मुझे भी ये अमर कथा सुना दो। बोले चलो मैं तुमको अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये अमरनाथ में कथा सुनाए, इसलिए इसका एक नाम है अमर कथा। देखो कथा कितना महत्व। स्वयं पार्वती को शंकर जी कहते, बोले पार्वती ये भागवत कथा सुनकर ही मैं अमरत्व प्राप्त की। पार्वती बोले, प्रभु मैं शरीर छोड़ती जा रही, शरीर छोड़ते जा रही, मेरे को भी अमर कथा सुना। जब उन्होंने पार्वती को अमर कथा सुनाई ना, फिर पार्वती अमर भी बनी। ये चीज को समझो, जो शंकर जी जो सत्यम शिवम, बोलो सत्यम शिवम सुंदर, और पार्वती देवी देवी महान देवी है, जगदम्बा जगत जननी, कभी ये दोनों भी जगत में जो अमरत्व को प्राप्त की, कभी ये भागवत कथा सुन करके ही अमरत्व को प्राप्त की। इसलिए अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो अमरत्व जरूर प्राप्त करेगा। देखो जंजीनियन ने सुने, परीक्षित ने सुने, अमर होगी कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी सुनाए, अमर होगी नहीं? ध्रुव प्रहलाद मीराबाई अमर हुए कि नहीं? हनुमान जी अमर हुए कि नहीं? सूरदास जी अमर हुए कि नहीं? हुए कि नहीं बोलो? अमर हो गए ना। अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना, आप भी जगत में अमर बन जाओगे जो कथा को श्रवण सुन करेगा। इसलिए पहला लाभ है क्या, जगत में अमरत्व को प्राप्त करोगे। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। हम संसार में सबके सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। इसलिए अगर ये कथा सुनोगे तो क्या होगा, समस्त जीवन का समस्त दुख तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले कल मसा अपहम, अगर ये कथा को सुनोगे तो जीवन का जितने तुम्हारी पाप है, संसार में हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं, ये हमारी पूर्व जन्म का कर्म का फल है, पाप का फल ये सब भोग कर रहे हैं, कभी सब पाप नष्ट कैसे होगा? बोले भागवत कथा सुनो, तुम्हारे जीवन का समस्त पाप तुम्हारी दूर हो जाएगा। बोले जो चौथा लाभ है क्या है, बोले कलमस अपहम। पंचवा लाभ है कहते श्रवण मंगलम। ये भागवत कथा को जो श्रवण करेगा क्या होगा, जीवन में तुम्हारी मंगलमय होगा। कहते ना मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हरि। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, ध्यान दे, कल मैं सबको पूछूंगा देखूंगा कौन बोल रहा है। तुम अनजान में भी अगर कथा में बैठ गए, तुमको पता नहीं ये कथा में होता है क्या, तुम्हें पता नहीं ये कथा होता है क्या, अनजान में आकर बैठ गए, देखते हैं क्या होता है। देखो इसका कितना फल है, हमारे गुरु जी सुनाते थे। बोले एक समय कोई एक फेरी वाला था, वो फेरी का काम करता था गांव गांव में घूम घाम करके। एक दिन गांव से बड़े दूर चला गया, बोले आज मैं वापस नहीं आ पाऊंगा ग्राम में, रात को यहीं रुक जाऊंगा, कल से एक से फिर काम शुरू करूंगा। गांव में पूछा यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था है? आप देखना पहले हर गांव गांव में भगवान की मंदिर हुआ करता था, अतिथि जो आते थे वहीं पर रहा करते थे। बोले भैया ठाकुर का मंदिर में रुक जाओ, कोई बात नहीं, रहो। लेकिन जब उसने वो रुकने गया, सोने के लिए गया, इतने गांव में क्या नियम था, पहले तो टीवी होता था नहीं, स्मार्टफोन नहीं होता था, लोग मंदिर में बैठ करके रामायण होता था लोग पढ़ते थे, भागवत होती थी सुनते थे, गीता पढ़ते थे, हैं लोग तो यही पहले करते थे ना, सब कुछ था ही नहीं जगत में। इसलिए जब उसने विश्राम करने के लिए जा रहा था, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बांस मजरा और मृदंग लेकर के
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गांव के लोग कीर्तन करना शुरू किया, उसने देखा कहां से आपदा आ गया, दिन भर काम करते करते थक गया, गोविंद जय गोपाल जय जय करना शुरू कर दिया। फिर एक संत फिर कथा सुनाना शुरू कर दिया, बोले ये फिर कहां से आ गया है, ये तो सोने से नहीं दिखा लगता है। इतने में उसने जब सबके सब कीर्तन कथा सुन रहे हैं वो सो जाए कैसे, उसने किया क्या, जो दीवाल था ना उसमें से सहारा दे करके कथा सुनना शुरू कर दिया। उसको पता इसे कथा बता से तो बेकार काम है, टाइम पास करना इससे तो हमारे कोई लाभ होने वाला है नहीं, इसलिए आधा जगे और आधा सोए उसने कथा सुन। जब कथा सुन लिया एक घंटा खत्म हो गया, सबके सब चले गए, बोले भैया बच गया सो गया। जब सो गया अभी कुछ दिन बाद में उसकी मृत्यु आई। हम ये जीवन में जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य, ये तीनों में कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत आते हैं लेने के लिए। अब उनको तीन जमदूत पकड़ करके ले गए स्वर्ग, कहाँ नरक, और चित्रगुप्त को बोले चित्रगुप्त जानते हो, चित्र मतलब हमारे फोटो, गुप्त मतलब छुपा करके, जो हमारे सारे कर्मों को जो छुपा छुपा करके जो सारे फोटो को ले रहा है। अगर तुम बोलोगे हम 10 मंजिल ऊपर में दरवाजा बंद करके कुछ कर रहा हूँ, बोल देख रहा है, अगर दिन में कर रहे हो ना ये सूर्य साखी है, अगर रात में कर रहे हो ये चंद्रमा साखी है, मतलब कोई भी कर्म को हम छुपा करके कर नहीं सकते। देखना एक व्यक्ति के तीन बेटे देखोगे, एक पिता के तीन बेटे हैं, देखना देखने में अलग अलग होंगे, स्वभाव अलग अलग हो गए, पढ़ाई अलग अलग होगी, सब चीज अलग अलग होगी, कोई एक नहीं होगा। क्यों, जन्म तो पिता ने दिया लेकिन कर्म तो अपना लेकर के आए ना, इसलिए उनका नाम धर्मराज। धर्मराज मतलब है वो तराजू में नाप तोल करके जैसे तुमने कर्म किया वैसे पत्नी मिलेगी, वैसे बहू मिलेगी, वैसे बेटा मिलेगा, वैसे परिवार मिलेगा, कर्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे तुमने कर्म किया है, जैसे अगर तुम जैसे बीज बोगे ना, अगर आम की गुठली बोगे तो कौन सा वृक्ष आएगा बोलो, आम की, अगर चीकू का बीज बोगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, चीकू, अगर केले का बीज बोगे तो कौन सा वृक्ष आएगा बोलो, अगर नीम का बीज बोगे तो कौन सा वृक्ष आएगा, नीम। क्योंकि हमने जैसे कर्म किया है ना, कर्म का अनुरूप सब कुछ जीवन मिलता है, क्योंकि वो चित्रगुप्त सारे फोटो ले रहा है। अभी जो भागवत कथा सुन रहे हो ना, ये जो भागवत कथा सुन रहे सारे फोटो ऊपर उठ रहा है, चित्रगुप्त ने सारे फोटो तुम्हारे ले रही है, अब यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो। जब ऊपर जाओगे ना, जब काफी भूलेगा सब कुछ निकलेगा, तुमने बैठ करके भागवत कथा सुन, देखो अनजान में भी कथा सुन लो इसका कितना महत्व है। मरने का बाद ये बच्चे को ना थोड़े से पीछे ले जाओ, बच्चे किसका बच्चे ही? ये जब तुम वहां चले बच्चा उधर चले उधर चले, इसलिए उन्होंने अभी जब महाराज ने बोले भैया इसका कापी करो कितने पाप और पुण्य किया, बोले महाराज जी ये तो जिंदगी भर झूठ मूठ बोल कर पैसा कमाया, दान पुण्य तो कुछ किया नहीं, कोई सत्कर्म में कुछ भी नहीं किया, बोले देखो तो सही थोड़ी बहुत कुछ होगा, बोले हाँ इसका थोड़ी पुण्य है, बोले क्या है, बोले मंदिर में जब इस सोने जा रहा था वहां पर थोड़ी सी कीर्तन और एक घंटा उन्होंने सत्संग सुना है, सत्संग केवल एक घंटा और कुछ नहीं जीवन में, तो उसको बोले देख भैया और कथा कैसे सुनी, आधा जगे और आधा सोए, मतलब भक्ति से नहीं सुना, सोच रहे थे बेकार काम है, ये टाइम पास हो रही इसमें हमारे क्या फल मिलेगा, कुछ तो होगा ही नहीं, ऐसे सोच कर उसने सुना है, भक्ति से कथा नहीं सुनी। बोले देखो अगर ये भक्ति से कथा सुनता तो कोई विशेष फल मिलता, लेकिन ये भक्ति भाव से कथा नहीं सुना है, इसलिए उसको एक घंटा उसको स्वर्ग मिलेगा, एक घंटा कथा सुनने का फल एक घंटा स्वर्ग मिलेगा, फिर वो नरक जाएगा। फिर उसको पूछा गया ये बताओ
पहले पाप लोगे ना पहले पुण्य लोगे। बोले भैया नरक तो जाना ही है, हमने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है, इसलिए मेरे को क्या करो एक घंटा के लिए मेरे को स्वर्ग भोगा करके ले आओ। बोले भैया जब दूत को भेज दिए एक घंटा स्वर्ग भोगा कर ले आओ, वहां पर जो जरूरत था बोले देखो कि हमारी आशा में एक घंटा भोगा करके हमें वापस दे देना। लेकिन जो स्वर्ग में गया रंभा उर्वशी मेनकाई इतने सुंदर सुंदर अप्सरिया वहां नंदन कानन वहां पर पारिजात पुष्प जो कभी सूखने वाले नहीं जैसे ईट पत्थर देकर बना हुआ वहां तो हीरे जवाहरात से बना हुआ ये लाइट नहीं एक मणि रखा हुआ जिससे बद्र जो मणि उसी से आलोकित हो रहा है। लेकिन कितना समय के लिए गया है, कितना समय के लिए गया था एक घंटा। उसको पता है एक घंटा के बाद में वापस जाना है, सोचा एक घंटा में देख लू हो रहा है क्या। इतने में देखा सब जगह में तो भोग भोग कर रही, लेकिन एक जगह पर उसने देखा इधर कोई जा ही नहीं रही। जब जो उधर गया ना देखा श्री उपेंद्र भगवान, उपेंद्र मतलब श्री बामन भगवान वहां पर और चतुसन बैठे हुए और वो सात्विक संपन्न लोग वहां पर भी बैठे हुए और बैठ करके वहां भी सत्संग हो रही थी और वहां पर भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कीर्तन सत्संग में बैठा था इसलिए एक घंटा स्वर्ग। भैया यहाँ पर देख रहा हूँ यहाँ भी कीर्तन सत्संग हो रही है, अगर और एक घंटा यहाँ पर और बैठ जाए ना कितना घंटा स्वर्ग हो जाएगा, बोलो कितना घंटा हो जाएगा, बोलो दो घंटा हो जाएगा। उसने क्या किया वो सत्संग में सीधा बैठ गया, कथा में बैठ गया, वो भी ताली बजाते हुए हरी बोल करने लग गया। उसको पता एक घंटा बाद में जाना, लेकिन जब एक घंटा हो गया ना उसको कोई लेने के लिए नहीं आया, वो समझ गया भैया कथा का कुछ असर पड़ रहा है। वो उठेगा क्या, जम करके बैठेगा, क्योंकि एक घंटा उठते क्या होगा पकड़ कर नरक ले जाएगी। जो जमदूत उसको ले करके आए थे जो दरवान था बोले भैया हमारी आसान को वापस दो, एक घंटा हो गया और ढूंढे कहाँ गया वो व्यक्ति, देखा वो तो कथा में बैठा हुआ सत्संग में बैठा हुआ। देखो ये कथा सत्संग की कितने महत्व है, जैसे यहाँ कथा में बैठे हैं ना, अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ गया मरने का समय आ गया, जब तक तुम ये कथा में बैठ रहोगे जमदूत दरवाजे के बाहर खड़े रहना, वो अंदर में घुस नहीं सकता है, क्योंकि जो कथा सुन रहे ना वो ठाकुर जी की गोद में बैठे। कहाँ पर बैठे हो, बांकिया बिहार की गोद में बैठे हो, यहाँ पर किसी का हिम्मत नहीं, यहाँ घुस करके जो कथा सुन रहे हैं इसको पकड़ कर कोई ले जाए, कोई ले नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ढूंढे भैया गया कहा, घूमते घूमते दिखाई दे कथा में बैठा। बोले कथा में बैठा मतलब बाकी बिहारी गोद में तुम बैठे हो, किसका हिम्मत तुमको कथा से पकड़ कर ले जाए, वो ले नहीं सके। उसने जब देखा कोई लेने के लिए नहीं आए ना वो तो उठाए नहीं जमकर ही बैठ गया। उसने दो घंटा तक इंतजार चार घंटा करते करते वापस आ गई
और उसने कथा सुनते सुनते किया हुआ, देखो कथा सुनने का क्या फल है। बोले श्रीनोताम श्री कृष्ण कथा पुण्य श्रवण कीर्तन, कहते जो भगवान की हम कथा सुनते हैं किधर से सुनते हैं, कानों से माध्यम से सुनते हैं। ठाकुर जी दोनों कानों से होकर के ठाकुर जी हृदय में जाते हैं। उदाहरण देते हैं विधुनति सुविधि सता, उदाहरण दिया जैसे आपका कोई प्यारे कोई दोस्त घर में आया, देखा कुर्सी पड़ा हुआ लेकिन कुर्सी में इतना धूल है, चूंकि तुम्हारे बहुत अच्छा दोस्त है वो ये नहीं कहेगा दोस्त तू पहले साफ कर फिर बैठना, बोलेगा तुम्हारे प्यारा दोस्त है ना वो अपना रुमाल निकालेगा उसको साफ करके बैठ जाएगा। उसी तरह हमारे सबसे प्यारे दोस्त कौन है, कहते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रव्य तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव, ठाकुर ही हमारे प्यारे दोस्त है वही असली बंधु पिता माता है। ठाकुर जी क्या करेंगे कानों से कथा सुनते सुनते हृदय में जाएंगे। अगर तुम्हारे हृदय में कोई काम क्रोध लोभ है ठाकुर जी अपना रुमाल निकाल करके सांप करके तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी बैठ जाएंगे। अभी उसने कथा सुनते सुनते उसका हृदय पवित्र हो गया, भगवत धाम से रथ आया और रथ में बैठ करके सीधा ठाकुर जी को पास में चला गया। और जो जमदूत थे ना वहीं से वापस आना पड़ा, खाली हाथों से वहीं से वापस आना पड़ा। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती हैं अगर कोई ये भगवान की कथा सुनेगा ना क्या होगा, बोले श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही उसका मंगल शुरू हो गया। अभी से कथा सुन रहे हो ना अभी से ही तुम्हारे जीवन में मंगल आरंभ हो गया और अमंगल दूर होना शुरू हो गया। बोले श्री, श्री मतलब क्या पैसा, लक्ष्मी जो कथा सुना गया ना, बताओ पैसा किसको नहीं चाहिए, बोलो हाथ उठाओ किसको पैसा नहीं चाहिए, सारा दुनिया को पैसा चाहिए हैं, इसलिए लक्ष्मी ऐसे करके बैठती है। लेकिन कहती जो लक्ष्मी कहाँ पर रहती है, जहाँ नारायण वही लक्ष्मी रहती है। इसलिए जो कथा सुनेगा ना वो माल भी आएगा पैसा भी आएगा और जस भी आएगा उसकी शोभा भी बढ़ेगा। कहते हर तरह से जो कथा सुनेगा लाभ ही लाभ है और दा मतलब है जो कथा सुनेगा संसार का जो बंधन है तुम्हारी समस्त खत्म हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है लेकिन ये भागवत कथा जो दान करते हैं जगत में सबसे बड़ा दान है ये भागवत कथा को जो दान करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती हैं अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो उसको सात फायदा है। कितना लाभ है क्या जो याद हो गया तुम्हें, तो याद नहीं हुआ श्रीमद भागवत कथा वृता की जय जय श्री राम जय जय जय। ठीक है सबके लिए प्रसाद रहता है आज जब भी कथा को विश्राम करते हैं लेकिन और थोड़ी सी कथा सुन करके सबके सब प्रसाद लेकर जाना ठीक है।
पुराण में ये भागवत कथा की महिमा को बताए और ये मंगलाचरण में कहते बोले सच्चिदानंद रूपाय, बोले भगवान का स्वरूप कैसे है, सत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु का शरण में अगर जाएगा तो क्या होगा, बोले संसार का जितने दुख है, आध्यात्मिक मतलब जितने मानसिक कष्ट है आदि दैवी, जैसे कि करुणा आ गई, बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, ये आदि दैवी और आदि भौतिक, मतलब एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट है, जो व्यक्ति प्रभु का शरण में जाएगा उसको समस्त दुख दूर हो जाएगा। किसको शरण में जाए, बोले श्री कृष्णा, बोले कृष्ण केवल कृष्ण नहीं श्री राधा कृष्ण की शरण में जो जाएगा उसको भी एक दिन सच्चिदानंदत्व की प्राप्ति होगी, जीवन का समस्त दुख कष्ट उसकी दूर हो जाएगी। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कथा सुनाए, ये कथा जब विश्राम हो गई
कहते भगवत धाम से एक सुंदर रथ आया और श्री परीक्षित महाराज एक गोपी स्वरूप को प्राप्त करते हुए भूर भुव मोह जन तप सप्त लोक को पार करते हुए ठाकुर जी के पास में चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, केवल भागवत ही तो कथा सुने, इसको सुनकर के भगवान को पास में चले गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में एक तराजू लेकर के उन्होंने एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म को उन्होंने एक तरफ में धर दिया, दूसरे तरफ में केवल ये भागवत कथा सुनने का महिमा को धर दिया। लेकिन जिधर भागवत महिमा रखे वो एकदम पत्थर के जो पत्थर जैसे जमाना और जगत का जितने पुण्य सब ऊपर उठ कर हल्का हो गया। मतलब ब्रह्मा जी ने देखा ये भागवत कथा की जितने महत्व है, जगत का कोई भी सत्कर्म को ये भागवत कथा से तुम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिया, क्या आदेश दिया, आज से ये ब्रह्मा लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलते रहे, भागवत कथा जैसे बंद नहीं हुआ है। कहते यद्यपि ये भागवत कथा कहते श्री नारद जी ब्रह्मा जी से उन्होंने सुना है, लेकिन ये चतुष्ण से विधि विधान को साथ में उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी। इतने में श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी को, बोले क्यों उन्होंने विधि विधान से क्यों सुने, क्योंकि जो नारद जी है कहते ना रमते जोगी बहते पानी, एक संत एक जगह पर कितना समय रुकते हैं, कहते कि गैया को दोहन करने में जितने समय हो उतना समय से संत लोग एक जगह पर कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन पर ये नारद जी 7-7 दिन तक बैठ कर क्यों कथा सुने, आप कृपा करके इसकी रहस्य बताओ। तब श्री सुत गोस्वामी बोले, बोले काल व्यालंकम द्रास त्रास निकल, कहते जो काल है ये के व्याल मतलब सर्प बन करके कैसे विश्व ब्रह्मांड को ग्रास कर रहा था, ये कलयुग में कैसे अधर्म हो रहा था, इसलिए श्री नारद जी इन्होंने सर्वत्र उन्होंने भ्रमण किया नारद जी, लेकिन उनको कहीं संतोष नहीं मिला, कहीं उनको संतोष नहीं मिला। सर्वत्र भ्रमण करते करते उन्होंने तीर्थ यात्रा तीर्थ में भी गए, वहां पर देखा जितने मुसलमान लोगों ने किया कि जितने हिंदू मंदिरों के ऊपर में आक्रमण करके बैठे हुए, जैसे अभी हमारा अयोध्या तो इसी तरह से मुक्त हो रहे हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, जैसे कृष्ण का जन्म स्थान है, देखा सब जगह पर ये मुसलमानों ने सब जगह कब्जा करके बैठे हुए। फिर उन्होंने मंदिर मंदिर में गए, देखा वहाँ भी कली बास, उन्होंने घर गृहस्थ में गए वहाँ पर देखा लड़ाई झगड़ा, उन्होंने कहीं भी गया उनको संतोष नहीं मिला। ये कली को देखा, ये कली किसी को नहीं छोड़ा, सबको ऊपर भी ये कली राजत्व करके बैठा हुआ। सोचा भैया वृंदावन धाम चलते हैं, वृंदावन क्या है, भगवान का धाम, इतना वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन है, वृंद मतलब भक्त वृंद, अवनी मतलब अगर कोई वृंदावन धाम में जाए, वृंदावन क्या करता है उसका अपना चरण में स्थान प्रदान करते हैं, श्री ये वृंदावन धाम है, ये वृंदावन धाम नहीं, ये राधा रानी की हृदय, राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने ये वृंदावन धाम को इन्होंने हृदय को बिछा करके रखा है। कौन कौन वृंदावन गए हो, वृंदावन कोई हाथ नहीं खाए, वृंदावन नहीं गए तुम जिंदगी में, क्या किया फिर वृंदावन नहीं गया, इसलिए ये वृंदावन क्या है, कहते भगवान श्री राधा रानी की स्थान है श्री वृंदावन धाम, बोले श्री वृंदावन धाम की। लेकिन वृंदावन धाम में भ्रमण करते करते जब उन्होंने ठीक जमुना किनारा में गए ही एक आश्चर्य घटना देखा, उन्होंने क्या देखा, देखा सब कर गए ज्ञान भर के था क्या कर कि महिमा के भागवत महिमा, कहते उन्होंने देखा वहां पर जमुना किनारा में उन्होंने देखा एक आश्चर्य घटना देखी, क्या देखा, एक सुंदरी युवती सिंहासन में बैठी, आसपास में कुछ सखियां उनको चामर व्यंजन कर रहे हैं, लेकिन जो दो बूढ़े हैं दोनों तरफ में दो बूढ़े लेटे हुए जिनकी चमड़ी ढीली हो गई, बाल पक गया और एकदम श्वास भी बड़ी धीरे 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 श्वास जा रहा है,
उन्होंने देखा भैया वृंदावन धाम ही यहाँ पर लोग इकट्ठे हो सकता है, कोई सत्संग होती होगी। लेकिन जब वहां पर पहुंचे ना, वो जो युवती बड़ी दुखी होकर बैठी रो रही है, बोले भैया जब देखा यहाँ पर रोना धोना है, संतों को रोने धोने से क्या मतलब है। तब तो नारद जी वहां से भगे। इतने में वो जो युवती बैठी हुई थी बोले भव साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। बोले साधु बाबा थोड़ी सी रुक जाओ। साधु बाबा नारद जी खड़े हो गए। बोले क्या बात है, तुम कौन हो? बोले मेरे को नहीं पहचान कर रहे। बोले लगता है कहीं तो देखा लेकिन याद नहीं आ रहे, आप बताओ आप कौन हो? तो वो अपना परिचय देती है। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता मेरा नाम है भक्ति है, और जो दोनों पास में जो देख रहे हो ये पुत्र है। लेकिन जगत का नियम क्या है, माता जी होती है बूढ़ी, बच्चे कैसे होते हैं जवान। लेकिन मेरी दुर्भाग्य के देखो, माता तो युवती होकर बैठी हुई और उनका जो दो बेटे है ना, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हो गया, ये बूढ़े कैसे? बोले मेरे दुर्भाग्य से। तो उसका कारण बताए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहा वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतामृता। बोले द्रविड़े उत्पन्ने द्रविड़े साहा, भक्ति देवी कहती है ये द्रविड़े देश में रत्मक जन्म हुआ, लेकिन कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई। मतलब कर्नाटक में भी कोई भक्ति करने वाले मिले। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी भक्ति करते हुए कुछ लोगों को दिखाई पड़ा। लेकिन जब मैं गुजरात में गई ना, एकदम मैंने भूल हो गई। कारण क्या है, गुजरात का देश पहले इतने नास्तिक था, कहीं भी किसी घर में ठाकुर का पूजा नहीं होता, किसी घर में तुलसी की पौधा नहीं देखा, किसी पर गले में माला नहीं, तिलक नहीं, कहीं भी राम राम कृष्ण कृष्ण कोई बोलने वाले नहीं। अगर कोई संत पहुंचेगा ना जिस छोटी तिलक लगाए, बोले बाबा ये तिलक क्या लगा लिए, क्या बगुला काटी कर दिया है? गले में अगर कोई तुलसी माला पहने, बोले लकड़ी क्यों पहन दिया है? अगर छोटी कोई पहन दिया ना, बोले ये एरियाल क्या है? मतलब इतने हंसी दिलकी करते थे। और जब तक वो संतों को खदड़ नहीं दे कहाँ से, गुजरात से बाहर, तब तक वो संतों का पीछा नहीं छोड़े। इतने दुष्ट देश था, इतने बदमाश देश, कहीं भी राम राम कृष्ण कृष्ण कहीं कीर्तन नहीं है। लेकिन अभी अगर जाकर के देखोगे ना, अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं भक्ति करने वाले आप गुजरात में देखो, सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले हैं, घर घर में तुलसी वृक्ष, घर घर में ठाकुर को पूजा, गले में कंठी देखोगे। कि मोदी कहाँ के हो, मोदी कौन सा देश के मोदी? जितने पैसा वाला देखो वो इनका, बताओ भारत में सबसे ज्यादा पैसा वाला नाम है क्यों? कारण क्या, भक्ति करते हैं। पैसा कहाँ आती है इस चीज को समझो, पैसा लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण का चरण। अगर जहाँ नारायण की सेवा होगी, जहाँ कृष्ण भक्ति होगा, वहीं पर लक्ष्मी आएगी। क्योंकि वो सबसे बड़े दाने भी वही देखोगे, बड़े बड़े बिजनेस में आए, बड़े बड़े पैसा वाला। अंबानी कहाँ गई, अंबानी कहाँ गई? गुजरात गई। जितने बड़े बड़े पैसा वाला देखोगे गुजरात में, कहाँ नहीं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान के भजन करते हैं। अगर जितने भजन करोगे ना, माल उतना आएगा घर में। क्योंकि जो लक्ष्मी, ये चीज का समझो, जब लक्ष्मी देखेगी क्या देखेगी, ये मेरे प्रभु को सेवा कर रहा है, मेरे प्रभु को लक्ष्मी क्या करेगी, वो छुपा छुपा करके लक्ष्मी दे जाएगी। बेटा मेरे प्रभु को सेवा कर रहे, बना ले पैसा, मेरे प्रभु को सेवा कर, हैं, मेरे प्रभु को सेवा कर। इसलिए कहते वहां इतने बड़े वो परिवर्तन कैसे हो गया, मेरे कारण है। कहते वहां पर बड़े बड़े संतों लोग ने जन्म लिया, जैसे तुकाराम का नाम सुने होंगे, नरसी भगत का नाम सुने होंगे, बल्लभाचार्य का नाम सुने होंगे। कहते बड़े बड़े संतों लोग वहां पर जन्म हुए, संत लोग का प्रभाव से वो स्थान एकदम पवित्र हो गया है। कहते जहां पर एक शुद्ध संत कहीं जन्म ले लिया ना, उसको प्रभाव से कभी कर्ण जोजन, उसकी प्रभाव से ये कर्ण जोजन निस्तार हो जाता है। इतने महिमा एक संत जन्म लेने का, एक बार हाथ उठा करके बोलो,
बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर करके बोलो बोल हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। बोल हरि नाम का संकीर्तन की। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ तो प्रसाद की व्यवस्था, प्रसाद मांग के जाना, सिनेमा जाओगे ना 3-3 घंटा बैठ देखो, कथा छोड़ कर भी जा रहे हो, कथा नहीं छोड़ कर जाती है। और कल 10-10 लोग को बुला करके लेना और संभलियों को, बैठ जाओ और थोड़ी समय बैठ जाओ तो प्रसाद लेकर जाना। ओ भैया की दूध निकालेंगे, जब भैया दूध निकाल कर चल चल जाए चले जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर वो कहती है मैं गुजरात में आकर के मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई ना फिर मैं तरुणी बन गई। कहते भक्ति नृत्यति जत्र च, वृंदावन धाम में भक्ति देवी जहाँ नृत्य करती है श्री वृंदावन धाम है। अभी कहते वृंदावन में तो मैं बन गई युवती। ठीक है बच्चे को बोला ना इधर बैठा, उधर तो मैं हो गई युवती, लेकिन मेरे जो दो बेटे हैं ना ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों हो गए बूढ़े। बोले ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हो गए? बोले कारण है ये वृंदावन धाम में ये ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाले नहीं, क्योंकि वहाँ भक्ति की स्थान है जहाँ पर भक्ति देव नृत्य करती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े और मैं हो गई युवती। अब बताओ मेरे बच्चों को ज्ञान कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोनों बच्चों को जवानी बना दूंगा। बोला अगर जवानी बना दिया ना मैं भी तुम्हारी हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने उनको कानों में वेद वेदांत ये सब के जितने ग्रंथ एक एक करके कान में सुनाया, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ। जब नहीं हुआ गीता सुनाते ही थोड़ी सी तो चेतनता आई, लेकिन गीता खत्म होते ही ध्यान करके गिरी। नारद तो बड़े चिंता में पड़ गए, सर्वत्र जा जाकर उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन इसके सही कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जब श्री चतुसन के पास में बद्रीनाथ में पहुंचे, बोले नारद क्या भूल गए हो? जब व्यास देव जी सारे ग्रंथ रचना करके भी शांति नहीं मिला, आप तो बोले थे आपको भागवत कथा सुनाओ भागवत सुनाओ। बोले मैं तो सारे वेद वेदांत उपनिषद सुना दिया, भागवत तो समस्त शास्त्र का निचोड़ ये भागवत है। जब मैंने ऑलरेडी ये सारे ग्रंथ को मैंने सुना दिया, पर भागवत सुनाने पर ज्ञान कैसे होगा? तब उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे आपका आम का स्वाद लेना है, यद्यपि आम वृक्ष का रस ही आम बनता है, लेकिन आम में जो स्वाद है ना उसका टहनिया और उसका पत्ते में नहीं मिलेगा। स्वाद कैसे मिलेगा? आम में ही मिलेगा। कहते उसी तरह जो भागवत है, कहते निगमा कल्प तरुण गलित फल, ये जो भागवत है वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। ये भागवत में जो आनंद है ये आनंद तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बोले फिर हम ये कथा सुना दो। फिर बोले हरिद्वार में ये कथा सुनाएंगे, वहां पर प्रचार हो गया हरिद्वार में, चतुसन कथा सुनाएंगे। कल देव लोग से ब्रह्म लोग से और जितने दंडकारण्य आदि जितने बाण था, जितने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या जितने तीर्थ स्थान गंगा जमुना सरस्वती जितने थी सबके सब कथा पर आए, लेकिन जो नहीं आए अगस्त ऋषि घर घर में गए और सबको उन्होंने निमंत्रण दिया। चतुसन कथा कर रही है, बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है। चलो सब सब कथा सुनने के लिए चलो, सबके सब कथा सुनने के लिए आए। लेकिन जब कथा करने जा रहे थे स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार धुंधु भी वो भी शंख बजाए। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। अरे देवता लोग भी जयकार कर रहे हैं, तुम लोग का जय मेरे तक नहीं आ रही, जोर से बोलो बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की। इसका तात्पर्य क्या है? कहीं अगर ये भागवत कथा हो ना देवता लोग भी करके वो भी पुष्पों की बौछार करते हैं। क्यों? बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है। और चतुसन ने जब कथा की ज्ञान वैराग्य भी भक्ति देवी को साथ में आए, जब कथा विश्राम हुई
वहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए, वहां पर श्री नारद जी प्रकट हो गए, अर्जुन सब, उद्धव जी सब के सब प्रकट हुए। कोई ढोलकी बजा रहा था, कोई मजरा बजा रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी तो जैसे जैसे भजन हो रहा था, भजन के अनुरूप बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे। अब सबके सब नाच रहे थे, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। सब प्रकट होकर नृत्य कीर्तन की, देखो कथा का फल किया है। कहते गोलोक वृंदावन से श्री बांके बिहारी राधा रानी को साथ में प्रकट हो गए, सारे परिकर वहां पर प्रकट हो गए, और जितने लोग बैठ कर कथा सुन रहे थे ना, कर जितने इंसान थे सभी के लिए रथ आया, लेकिन यहाँ भी जो पशु पति थे ना सभी के लिए भी रथ आया। सबके सब रथ में बैठ करके ठाकुर के पास में सबके सब चले गए, इसलिए तुम लोग के लिए भी एक रथ आया, कोई चिंता मत करो, तुम लोग भी सबके साथ, इसलिए आप लोग भी तैयार रहना ठाकुर के पास में जाने के लिए। तैयार रहोगे कि नहीं? कौन तैयारी जाने के लिए, सब अच्छी बात है। इसलिए सबके सब जब उधार हो गए ना, तब यहाँ चतुसन प्रश्न करते हैं, नारद जी चतुसन को प्रश्न करते हैं, बोले आप कृपा करके ये बताओ, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो, बड़ा कष्ट पाता है, जो प्रेत जन्म है ना, कोई बोलते ना सुइसाइड कर लो, जो दुख हो जाए, कोई कहते ना सुइसाइड कर लो, भैया सुइसाइड इतने गंदी चीज जो सोच नहीं सकते। कोई जो प्रेतात्मा बनते हैं ना, कहीं अगर खाना रखा हुआ, अगर वो खाने के लिए जाएगा तो अपने आप अंतर ध्यान हो जाता है, पानी पीने के लिए जाएगा पानी नहीं पी सकता, पानी अपने आप सूख जाएगा, जिस पेड़ की टहनिया पर बैठे हो पेड़ का टहनिया टूट जाएगा, हाहाकार करते हुए इनका जीवन इतने दुख कष्ट जो सोच भी नहीं सकते। इसलिए भैया कभी भी सुइसाइड करने का कभी दिमाग में चीज नहीं लानी चाहिए, भगवान कितने भाग्य से ये मानव शरीर दिया है, 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते एक बार जीवन दिया, इसी जीवन में प्रभु की भक्ति भजन करके हम पूरा चिरकाल के लिए सारे दुख कष्ट से निकल सकते हैं। सुइसाइड करने से ये मत समझो मर गया हो गया, नहीं भैया इतने कष्ट उठाना पड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, इतनी पूरी गति है। कहते अगर प्रेत, उनका प्रश्न है, अगर प्रेत जन्म में पढ़कर कोई बड़ा दुख कष्ट उठाना, किसी तरह से उसको मुक्ति नहीं हो रही, क्या ये भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो जाए? जब उन्होंने ये प्रश्न किया है और बोले ये कथा सुनकर किसको किसको मुक्ति मिली, कथा सुनकर के संसार से किसको किसको उद्धार मिला है, आप कृपा करके बताओ। खैर उन्होंने धुंधुकारी गोकर्ण की कथा उन्होंने सुना है, और हमारे प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी गौर सुंदर प्रभु जी आपको वो कथा सुनाएंगे, ये गोकर्ण धुंधुधारी की कथा सुनाएंगे, कैसे ये भागवत कथा सुन करके उनकी संसार से उनको कैसे मुक्ति मिला। ठीक है,
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। बोलो जी खड़े बोलो हरे कृष्णा। अज्ञान के चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। सब एक बार मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमारादितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवत कथा श्रोत मंडली माताएं प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की महिमा हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं और पद्म पुराण के अंतर्गत जो गोकर्ण धुंधकारी की कथा है उसके विषय में मैं कुछ बताता हूँ आपको। जब नारद जी ने प्रश्न किया शंकादिक से कि क्या ये भागवत कथा से केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति ही लाभान्वित हुए हैं या कोई पापी भी व्यक्ति इससे उद्धार हो सकता है, तब उन्होंने ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन किया। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। बड़ा ही सदाचार संपन्न ब्राह्मण था, बड़ा ही बुद्धिमान, द्वितीय एवं भास्कर विद्वानों के मंडली में उन्हें स्वयं विद्या भास्कर कहते थे, इसलिए बड़े ही सदाचार संपन्न थे। उनकी पत्नी विपरीत, पत्नी का नाम था धुंधली, वो पत्नी बिल्कुल विपरीत थी, कलह प्रिय, 24 घंटे लड़ाई झगड़े इसी में ही उसको आनंद मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवशतः घर में कोई संतान नहीं थी। अभी एक दिन तो आत्मदेव पंडित बड़े दुखी होके और जंगल में चले गए और रोते रोते प्राण त्याग कर देंगे ये संकल्प लेके जंगल में क्रंदन कर रहे थे। उसी समय पर क्या हुआ, वहां से एक सन्यासी गुजर रहे थे। सन्यासी ने जैसे इन्होंने रोते देखा जाकर पूछा, बोले क्या हुआ ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं, काचित ब्राह्मण तुम तीनो रोदसी। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहते हैं कि न जाने किस जन्म का हमारे पाप कर्म है जिसके फलस्वरूप घर में कोई संतान नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है लेकिन पुत्र दर्शन यदि हो जाता तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। अभी जैसे ही सन्यासी ने उनकी ये बात सुनी और उन्हें समझाने लग गए कि देखो पुत्र होने से संतान उत्पत्ति होने से यदि तुम्हें सुख मिलेगा, यदि ऐसी तुम्हारी धारणा है तो केवल मूर्खता है, केवल मूर्खता है। अरे सगर महाराज के तो 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुखी हो गए? चित्रकेतु महाराज भी पुत्र वियोग के अंदर पागल हो गए थे, बाद में जब संतान हुई उसी संतान को ही सभी रानियों ने मिलकर मार दिया, वो संतान ही बाद में दुख का कारण बना। तो इसलिए आपकी ये धारणा जो है कि पुत्र होने से मैं सुखी हो जाऊंगा ये मूर्खता मात्र है और कुछ भी नहीं। और मैं आपके ललाट देख के, मैं आपकी भाग्य रेखा देखकर बता रहा हूं कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक भी आपके कोई संतान का सहयोग नहीं है। जैसे ही ब्राह्मण ने ये बात सुनी, जैसे ही आत्मदेव ने ये बात सुनी, बड़े दुखी हो गए और सर पटक पटक के ब्राह्मण के चरणों में रोने लगे। बोले सन्यासी महाराज, हम तो सोच रहे थे आप हमारा दुख हल्का कर देंगे, आपने तो हमारा दुख और 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं रोते रोते आपके चरणों में सिर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। और एक बात और सुन लो, आपको जो है हमारे ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। मैं ब्राह्मण आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी सोचने लगे, भैया अच्छी राम राम हुई इनसे, कहा हम अपना रास्ता जा रहे थे, हम सोच रहे थे कोई रो रहा है भगवत चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा होगा, चलो हम भी ऐसे भक्त के दर्शन कर ले, और यहाँ तो इनको पुत्र का भूत चढ़ा हुआ है। जैसे ही सन्यासी ने उसको समझाने की कोशिश करी, बोले हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हें जो करना है करो। बोले नहीं, मैं आपके चरण ही छोड़ने वाला नहीं, आपके चरणों में ही मैं अभी प्राण त्याग कर दूंगा। उस समय पर सन्यासी ने इनको पेड़ से एक फल अभिमंत्रित करके और दिया है, बोला कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, पत्नी जैसे ये खाएगी इससे संतान हो जाएगी। बस आत्मदेव के हृदय में आनंद की लहरें दौड़ने लग गई, बहुत खुशी होके दौड़ते दौड़ते अपने घर पे आए। बोले भाग्यवान सुनती हो, बताओ क्या बात है। बोले ये लो तुम्हारे लिए क्या लाए हो, एक फल। बोले मैंने जीवन में कभी फल खाए नहीं, क्या क्या फल लाकर दिखा रहे हो, इतनी जोर से चिल्ला रहे थे मुझे लगा कोई 9 लक्खा हार लाए हो, क्या यजमान बड़ा बढ़िया मिला होगा, कुछ बढ़िया प्रणाम ही लेकर आए हो, लेकर आए हो छोटा सा फल।
बोले ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे साधारण फल मत समझो, इसे यदि खाओगी तो संतान होगी। अच्छा, इसे खाने पर बेटा होगा? बोले हाँ। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं पहले स्नान करूंगी, ठाकुर को भोग लगाऊंगी, पूजा करने के बाद मैं ये फल खाऊंगी ताकि हमारी संतान भी बड़ी संस्कारी हो। ब्राह्मण देव की ये बात समझ में आ गई। जैसे तभी धुंधली, उसका नाम ही है धुंधली, तो उसने क्या किया, वो फल तो खाया नहीं। जैसे पड़ोसन आई थी, पड़ोसन से पूछा, बोले ऐसा ऐसा हुआ है आज, पति देव ना काने इधर जाने कहाँ से फल लेकर आ गए हैं, बोले मैं इसे खाऊं? बोले निश्चय, साधु का प्रसाद मिला है तुझे और साधु की कृपा से ही घर में एक बालक की किलकारी गूंजेगी, एक नन्ना बालक घर में खेलेगा, तू निश्चय इसे भक्षण कर। तब वो बोलती है, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री उसका पेट बाहर निकल जाता है, ज्यादा भाग नहीं सकती, अगर घर में आग लग गई तो फिर मैं क्या करूंगी? बोले तुझे कहां, तू ऐसी ऐसी उपटांग बातें क्यों सोच रही है? बोले नहीं नहीं, यदि गांव में डाका मार दिया चोरों ने तो मैं तो कहीं भागने की भी नहीं रही, और मैंने सुना है कि सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे। बोले हाँ सुना तो मैंने भी है। बोले भैया मेरी संतान यदि 3-4 साल भी रह गई तो मेरा तो राम नाम सत्य है। ऐसी इतने सारे कुतर्क करके तत्फलम न भक्षणे, उसने इतने सारे कुतर्क करने के बाद में क्या किया, वो फल नहीं खाया। उसकी बहन शाम में जब आई थी तो उसको भी सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बहन कहने लगी, बोले क्या तेरे पति भी साधुओं की बातों में आके और पगलाए गए हैं, फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? तो एक काम करिए, फल तो गाय को खिला दे, और देख मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे तेरे घर में तो कोई खाने वाला नहीं और मेरे घर में खिलाने को कुछ नहीं, तो मैं एक काम करूंगी, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी और तू विनिमय में कुछ पैसे मेरे पति को दे देना, मेरे पति थोड़ा लालची है। बात सुन के दोनों की डील हो गई, ठीक है भैया, दोनों राजी हो गए। अभी धुंधली वहां पर पेट में कपड़ा बांध के और उसने नाटक करने लगी कि जैसे गर्भवती हो, और उसकी बहन के जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, रातों रात पुत्र को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। पुत्र जैसे ही उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण देव आत्मये तो बड़े आनंदित हो गए, पूरे गांव में लड्डू बंटवाने के सोच रहे हैं। धुंधली बोलती है, भैया इधर आओ, पहले एक समस्या हो गई है। बोले बताओ क्या समस्या? बोले पुत्र तो हो गया है लेकिन मेरे स्तन में दूध नहीं आया है। अभी जो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसके स्तन से तो दूध आएगा? बोले मेरे स्तन से तो दूध नहीं झर रहा है। बोले फिर क्या करें? बोले मेरी बहन को भी एक बच्चा हुआ था लेकिन वो मर गया है, कहो तो उसे बुला लूं? बोले ठीक है ऐसा ही कर लो। अब जिसकी संतान है वो ही संतान का पोषण कर रही है, वही दूध पिला रही है, और ठीक उसी के 3 महीने बाद में क्या हुआ, जो गाय को फल खिलाया था ब्राह्मण द्वारा, जो सन्यासी द्वारा प्रदत्त गाय को फल खिलाया था, गाय ने भी बड़ा सुंदर एक बालक, एक शिशु उत्पन्न किया है, मानव शिशु, गाय से बछड़ा नहीं, एक मानव शिशु उत्पन्न हुआ है, और उसके कान तो गाय जैसे और पूरा सुंदर शरीर, सर्वांग सुंदर कलेवर, बड़ा ही सुंदर स्वरूप वो बालक, उसका नाम रख दिया गोकर्ण, और ये पुत्र जो दूसरा अपनी बहन से लेकर आई थी उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। अभी दोनों ने ही धीरे धीरे बालक बड़े होते लगे, गोकर्ण पंडित लेकिन धुंधुकारी कौन, महाखल, धुंधुकारी महाखल, खल, खल का मतलब क्या हुआ, ख और ल, ख मतलब जो केवल खाता है और ल मतलब लड़ता है, ये दो के अलावा उसके पास में और भी काम ही नहीं था। दोनों ने ही बड़ी ख्याति प्राप्त करी, लेकिन एक तो हो रहा है विख्यात, एक हो रहा है कुख्यात, एक हो रहा है, एक की बड़ी ख्याति हो रही है लेकिन दूसरे की बदनामी। क्या करता था ये धुंधुकारी, बच्चे यदि खेल रहे हो तो उनको कुएं में धक्का मार देगा और घर के बर्तन निकाल निकाल के बेचने लग जाए, पिता से लड़ झगड़ के पैसे मांगने लगता, जब पिताजी पैसे नहीं देते तो मार कूद तक करने लगता। पिताजी तो दुखी हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या किया, एक दिन जंगल में फिर चले गए। जंगल में जब जा रहे थे तो उसी समय पर गोकर्ण ने पकड़ लिया, बोले पिताजी को वहां पर बड़े सुंदर सुंदर गोकर्ण ने उपदेश दिए हैं। पिताजी को समझाते हुए गोकर्ण कहते हैं, देखो पिताजी, सोचते हो इस संसार में सब लोग दुखी सब लोग सुखी हैं, बोले केवल भ्रम है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी सुखी राम के दास। गोकर्ण यहाँ पर पिताजी को समझा रहे हैं कि केवल मात्र जो भगवान का भजन करते हैं वो ही सुखी हैं, अन्यथा सब दुखी ही दुखी हैं। इसलिए आप क्या करो, आप साधु संग करो, इस संसार से जो आपका मोह है उसको त्याग दो, लौकिक धर्म सब परित्याग करके किसी के गुण दोष को ना देखते हुए आप केवल मात्र साधु संग करो और अपना जीवन जो शेष जीवन है वो हरि भजन में लगा दो। आत्मदेव यहाँ पर कहने लगे,
कि हाँ ऐसी ही बात वो सन्यासी ने भी हमें समझाई तो थी, लेकिन तब हमारी मति मारी गई थी, तब हम पुत्र मोह के कारण समझ नहीं पाए, लेकिन अब मैं भगवत भजन के लिए ही चला जाऊंगा। जब गौकर्ण ने ये सारे उपदेश दिए हैं तब आत्मदेव तो घर त्याग करके जलदल की ओर चले गए। यहाँ पर धुंधुकारी ने क्या किया, अपनी माँ धुंधली को इतना परेशान किया, इतना दुख कष्ट दिया कि उसने तो स्वयं कुएं में कूद के आत्महत्या ही कर ली। आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर क्या किया, धुंधुकारी ने 5-5 वैश्याओं को ले आया, वैश्या के साथ में रहता है, उनके हाथ से अमित कुमित भोजन करता है और उनका भरण पोषण करने के लिए वहां पर चोरों के घर डाका डालता है। राजा के घर एक दिन जब उसने डाका डाल दिया, अभी सारी वैश्या मिलकर सोच ली कहीं ऐसा ना हो सुबह सुबह सिपाही आएंगे और हमें भी पकड़ के ले जाएंगे। रातों रात उन्होंने क्या किया, धुंधुकारी सो रहा था, उसको बांध के और उसका गला घोट के मारने की कोशिश करी, नहीं मरा तो जलते हुए अंगार लेके उसके मुंह में ठूस ठूस के और उसे मार दिया और वहीं पर घर में गड्ढा खोद के उसे गाड़ के और रातों रात फरार हो गई है। इतनी अधोगति हुई धुंधुकारी की, इसी के कारण क्या हुआ, प्रेत जन्म मिला, भूत बन के जन्म लिया है। जैसे ही गोकर्ण को पता चला कि पिता भाई इस तरह से मर चुका है तो उसने पिंडदान दे दिया, लेकिन पिंडदान देने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जैसे ही अभी घर में आया है, देख रहा है कि कहीं पर सिंह के दहाड़ने की आवाज, कहीं पर हाथी चित्कार कर रहे हैं। जब उसने जल को अभिमंत्रित करके और छिड़का है तो स्वयं वहां पर धुंधुकारी बोलने लगा कि हे भाई, मैं आप ही का छोटा भाई धुंधुकारी, मैं धुंधुकारी हूँ, मेरी इस तरह से अधोगति हुई है और मैं प्रेत योनि में हूँ, आप मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। यहाँ पर गोकर्ण जी कहने लगे कि मैंने तुम्हारे नाम से पिंडदान दिया था प्रयाग में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले, हम पापियों में नंबर वन हैं, हमने इतने पाप किए हैं कि हमारी मुक्ति एक बार क्या 100 बार पिंडदान दे दो उससे भी नहीं होगी। तो उस समय पर गोकर्ण जी ने क्या किया, सूर्यदेव की उपासना करी और सूर्यदेव की उपासना करने के बाद सूर्यदेव ने स्वयं कहा कि श्रीमद भागवते मुक्ति यातम सप्ताहम दधो, क्या करो, ये श्रीमद भागवतम का सप्ताह परायण तुम अनुष्ठान करो। सूर्यदेव का आदेश पालन करके स्वयं वहां पर गोकर्ण जी व्यास बने हैं। व्यास की गद्दी पर बैठकर उन्होंने अपने भाई को एक बांस में स्थान दिया, 7 गांठ से युक्त एक बांस था, उसके अंदर आश्रय लेके और धुंधुकारी ने कथा श्रवण करी। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा शेष होती और एक एक बांस की गांठ चटक जाती, 7 दिन होते ही 7 गांठ चटक गई और स्वयं दिव्य रूप धारण करके तुलसी दाम मंडित, इतना सुंदर स्वरूप गोकर्ण ने धारण किया चतुर्भुज, और उनके लिए एक रथ आया है। रथ एक ही आया लेकिन श्रोता तो बहुत सारे थे, श्रोता बहुत सारे थे। गोकर्ण ने वहां पर विष्णु दूतों से प्रश्न करते हैं, बोले यहाँ पर श्रोता तो इतने सारे थे, सभी ने ही हरी कथा सुनी, लेकिन आप रथ एक ही लाए हो, ऐसा पक्षपात क्यों कर रहे हो। तब उस समय पर विष्णु दूत स्वयं कहते हैं कि श्रवण में इनके भेद है, जिस तरह से धुंधुकारी ने एकाग्र चित्त होके कथा सुनी है वैसे सबने कथा नहीं सुनी, यहाँ पर देखो शिक्षक दे रहे हैं और सावधान भी कर दे रहे हैं, भैया कथा सुनो तो कैसे, एक मन से यदि कथा सुनोगे तो फिर रथ आएगा, नहीं तो रथ नहीं आने वाला। उसके बाद में क्या किया, सभी जब श्रोता दुखी हो गए, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस समय पर क्या किया, गोकर्ण जी ने पुनः वापस भागवत सप्ताह का आयोजन किया है और इस समय पर सारे श्रोता बड़े ही एकाग्र चित्त होकर उन्होंने कथा सुनी और जितने जितने श्रोता थे उतने उतने रथ इस बार वैकुंठ धाम से आए हैं। श्री हरि साक्षात चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं और गोकर्ण को अपने गले से आल लगा लिया, आलिंगन करते हुए गोकर्ण की बड़ी प्रशंसा करी और सबको अपने वैकुंठ धाम लेकर चले गए। इसलिए धन्य है श्री भागवत कथा जिसने की प्रेत योनि से धुंधुकारी जैसे पापी को भी उपाख्यान से बतला रहे हैं कि कोई पापी से पापी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि श्री भागवत कथा को श्रवण करे, यह श्रवण मात्र से ही, केवल श्रवण मात्र से ही और पूर्ण श्लोक भी नहीं, श्लोकम श्लोकार्धमेव च, कह रहे हैं कि यदि कोई एक पूरा श्लोक भी ना पढ़े, आधे श्लोक मात्र से ही यदि कोई ठीक रूप में श्रवण कर रहा है तो उससे भी उसकी सिद्धि हो जाएगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल।
ओमज्ञानतिमिरान्दर्शज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद स्तोत्र कृष्ण मन भक्ति विदाम भक्ति जल गुरु गुरु महाराज के चरण साष्टांग नमन प्रणाम करते उनका हेतु की कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपांग गुरु पाद पद्म राधा गोविंद सब परिकर गौर नित्यानंद प्रभु चरण में अब हम उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंद वैष्णव वृंद के चरण में हम का यथा जी के दंडक प्रणाम स्वीकार। अभी गुरुदेव से मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी का क्या महिमा है। तो गुरुदेव स्वयं बता रहे थे कि भागवत जी किस प्रकार का जो अमृत जो देवता लोग सुखदेव गोस्वामी को अमृत देने के लिए आते हैं तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं का मणि हाँ कहाँ मणि और कहाँ एक काट का लकड़ी है लकड़ी के साथ कहाँ मणि को हम तुलना किया जा सकता है क्या। उसी प्रकार कहाँ ये अमृत और कहाँ ये भागवत जी। तो इसमें बता रहे हैं कि अमृत को भी यहाँ पे तुच्छ बता रहे हैं। तो जो भागवत है ना श्रीमद् भागवत अमृत ये अमृत इसमें अंतिम शब्द में आ रहा है कि ये किस प्रकार अमृत है। इसको पान करने के द्वारा जीव का सारे कष्ट रोग शोक सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। देखो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि आठ प्रकार का विग्रह है ठाकुर आठ तरीके के हैं शैली धार्मिक महीन लैकी प्रकार का आठ प्रकार का है। कोई पीतल वाला मूर्ति विग्रह अर्चन करते हैं कोई पटचित्र हाँ और कोई मन में ठाकुर को पूजा करते हैं और कोई कोई तो बालुकम बालुमय यानी बालुका में ठाकुर को अर्चन करते हैं पूजा करते हैं। इस प्रकार आठ प्रकार का पूजा है आठ प्रकार का मूर्ति को शिव विग्रह को कोई कोई सेवा करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है ये साक्षात वाणी स्वरूप बता रहे हैं ये शब्द ब्रह्म साक्षात वाणी स्वरूप। जिस समय कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर के जा रहे थे उस समय उद्धव जी बोलते हैं प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे उसके बाद क्या होगा यहाँ का बद्ध जीव का। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञाना दिवि सब कलो नष्ट पुराण को कलो नष्ट पुराण से त्रिषा अधुनेत। इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण जिस समय अपने जा रहे थे उस समय बता रहे हैं कि सारे के सारे जो शक्ति सारे के सारे गुण जीव को किस प्रकार कृष्ण कल्याण करेंगे किस प्रकार कृपा करेंगे ये कि सारे के सारे श्रीमद् भागवत जी में प्रकाशित करके ही गए। अब देखो श्रीमद् भागवत साक्षात कौन है ये साक्षात कृष्ण ही है। गुरुदेव किस प्रकार बता रहे थे ना कि साक्षात जैसे नारद जी बहुत सारे कथा को सुनाने के बाद भी जो ज्ञान और वैराग्य उनका चेतना नहीं हुआ यद्यपि श्रीमद् भागवतम गीता सुनाए और गीता में बहुत सारे भक्ति के बारे में बताया गया है। गीता के पहले अध्याय में कर्म और बीच के अध्याय में छह अध्याय भक्ति और अंतिम में जो लास्ट के जो छह अध्याय जो 18 अध्याय गीता है उसमें लास्ट के जो छह अध्याय है उसमें बता रहे हैं ये ज्ञान है। तो उसी प्रकार जो भक्ति है उसमें भी कर्म मिश्रा भक्ति शुद्ध मिश्रा भक्ति पता नहीं तरह तरह की भक्ति है लेकिन जो शुद्ध भक्ति के बाद बता रहे हैं ये कहाँ है ना ये श्रीमद् भागवतम में है जिसको श्रवण मात्र से ही ज्ञान वैराग्य हो और जिसको श्रवण मात्र से भूत जोनी से भी अभी प्रभु जी बता रहे थे भूत जोनी से भी उद्धार होता है। लेकिन बात ये उठता है हम श्रवण किससे करेंगे तो पद्म पुराण में बता रहे हैं कि अवैष्णव मुखो दिष्टेन
भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्ट यथा भय। कि भाई ऐसे तैसे व्यक्ति से ये भागवत नहीं सुनना चाहिए। किस व्यक्ति से कैसे सुनना चाहिए? जो वैष्णव है, क्योंकि वैष्णव क्या है ना, यद वैष्णवानं प्रियम, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार वैष्णव व्याख्या करते हैं, शास्त्र में पद्म पुराण में बता रहे हैं कि वैष्णव निष्कपट रूप में हर समय भागवत को जीव को प्रदान करते हैं। इसीलिए जैसे तैसे व्यक्ति के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, शास्त्र में सीधा सीधा बता रहे हैं ये श्रवण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार नहीं करना चाहिए? बता रहे हैं कि सर्पो उच्छिष्ट यथा पय, जिस प्रकार पय यानी दूध, दूध में क्या क्या, एक सांप ने मुंह लगा दिया, अब मुंह लगाने से वो क्या हो गया, तो जहर हो गया। और बताओ, दूध तो अमृत है, दूध अमृत है कि नहीं, फिर लेकिन सांप ने उसको उच्छिष्ट कर लिया। उसी प्रकार बाहर के जो व्यक्ति हो, ज्ञान कर्म आदि अपने वाणी के द्वारा, उसको भागवत तो अमृत है, फिर भी अपने ज्ञान कर्म अपने टीका लगा करके उसमें क्या करते हैं, उसको उच्छिष्ट कर देते हैं, जिसको सुनने से मात्र से सब भ्रष्ट होंगे। इसीलिए शास्त्र में सीधा सीधा बोल रहे हैं, वैष्णव के मुख से ही श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। श्री वृंदावन दास ठाकुर भी एक जगह पर बता रहे हैं कि जाय भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान है, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण है। कि हमको भागवत कहाँ पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत हमको अध्ययन कहाँ करना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, कहाँ समझना चाहिए, ये वैष्णवों के पास। यही हमको वास्तव में उसी भागवत को जो महिमा है उसको बताएंगे। अब बता रहे हैं देखो, श्रीमद् भागवतम इसमें क्या चीज है, जैसे तैसे ग्रंथ, इसमें पूरा का पूरा विशेष रूप में शास्त्र में बता रहे हैं। कलिकाल के जो बद्ध जीव है ना, वो भटक जाते हैं, बहुत सारे देवा देवी को पूजा करते हैं। इस आजकल तो पता नहीं साई भागवत की देवी भागवत, बहुत सारा सारा भागवत निकल गया है। अब प्रश्न आता है हम किस भागवत को अध्ययन करें, तो शास्त्र में स्वयं बता रहे हैं कि जिस भागवत में नारायण कवचेति ब्रह्म हयग्रीव ब्रह्म विद्या जत्र, बता रहे हैं कि जहाँ पे ये नारायण कवच है, रुद्रासुर वधस्त था, जहाँ पे रुद्रासुर का महिमा वर्णन किया गया है, और जिस ग्रंथ 18,000 श्लोक से निर्मित वर्णित किया गया है, और जिस ग्रंथ में द्वादश स्कंद समन्वित 12 स्कंद है, उसी ग्रंथ को ही श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। शास्त्र में बता रहे हैं, जैसे तैसे बात इधर उधर की भागवत को हमको नहीं सुनना चाहिए। और शास्त्र में विशेष करके बता रहे हैं, देखो ये भागवत क्या चीज है, बता रहे हैं कि जहाँ पे भागवतम प्रुक्ता ही थी, जहाँ पे स्वयं भगवान क्या करते हैं, अपने वाणी को स्वयं कहते हैं, ये जो वेद व्यास जी, ये कौन है, बता रहे हैं भगवान के ही सत्यावेश अवतार है, भगवान के सत्यावेश अवतार स्वयं नारायण ही क्या करते हैं, अपने मुख से ये भागवत को वर्णन किया है, बताया है, इसलिए उसमें त्रुटि नहीं है, किसी प्रकार का भ्रम प्रमाद कारण पाठक विप्रलिप्सा, इस प्रकार जो चार दोष होता है वो दोष नहीं है, किसी प्रकार का उसमें जो ऐसा नहीं है कि हम भागवत में बाद में ऐसा हो गया है फिर करेक्शन किया जाए, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भागवत है, कुछ दिन के बाद बदल जाएगा, पार्ट टू आ जाएगा, ऐसा कभी सुना है? सुना है क्या, गीता पार्ट टू आ गया, ये गीता हम पुराना हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं किस प्रकार, ये इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, मल मतलब काम धर्म अर्थ, धर्म अर्थ लोभ मोक्ष, जिस प्रकार का जो मल है, हाँ ये मल रहित है, ये हर समय ये श्रीमद् भागवतम कौन है ना, वेद व्यास जी के मुख से निष्कृत होने के कारण इसमें किसी प्रकार का भी विशेष त्रुटि नहीं है। और क्या है, इसमें भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है, शुद्ध भक्तों का चरित्र, विशेष करके धीरे धीरे एक एक स्टेज करते हुए गोपियों का भाव इसमें वर्णन किया गया है, कैसे कैसे इसमें ध्रुव महाराज जी का कथा आएगा, प्रहलाद महाराज जी का कथा आएगा, और गोपियों का कथा आएगा, किस प्रकार उन्होंने किस प्रकार भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त किए, ये सारे के सारे बात श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। और उससे भी ज्यादा के ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण क्या है, एक तो भक्तों के चरित्र वर्णन किया गया है, और भगवान के भी चरित्र वर्णन किया गया है, कैसे कैसे भगवान नृसिंहदेव, बराहदेव, वामनदेव, कैसे कैसे राम जी कृष्ण ये अवतार ग्रहण करते हैं, और कैसे कैसे लीला करते हैं, ये सारे के सारे बात श्रीमद् भागवतम में विशेष करके बताया गया है। बोल रहे हैं तत्श्रवण सुपठन, इसको श्रवण करने मात्र से, इसको पठन करने मात्र से, इसको ध्यान करने मात्र से, कि भक्ता विमुच्य नर,
एक व्यक्ति को, एक मूढ़ व्यक्ति को भी भक्ति उसके हृदय में जागृत होता है, ये भागवत का इतना फल है बता रहे हैं शास्त्र में। विशेष करके जो भागवत जी हैं, देखो इसको भागवत का क्यों बोला जाता है, तो ये तो बहुत सारा कारण है कि ये इस कारण से भागवत बोलते हैं, इस कारण से भागवत बोलते हैं, लेकिन हमारे गोस्वामी वर्ग एक विशेष कारण बता रहे हैं क्यों इसको भागवत बोलते हैं। बता रहे हैं देखो क्या बता रहे हैं कि जो बोलने वाला कौन है, ये सुखदेव गोस्वामी, ये स्वयं भागवत है, और जो श्रवण करने वाला कौन है, ये परीक्षित महाराज, ये भी स्वयं भागवत है। किस प्रकार, ना सुखदेव गोस्वामी ने भी अपने मातृगर्भ में, आगे कथा गुरुदेव श्रवण करवाएंगे, मातृगर्भ में बहुत साल तक रुके, रुकने के बाद भी जैसे ये बाहर निकलना नहीं चाहते थे, तब उनके पिता वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम स्तुति करके उनको प्रार्थना करते कि आप कृपा पूर्वक बाहर आ जाओ। तब उन्होंने माया से किस प्रकार का बचेंगे पूरा का पूरा प्रसंग है, तो ठाकुर जी उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं, और वो साक्षात ठाकुर जी को दर्शन करके ही जगत में प्रकाशित होते हैं। ये तो साक्षात महाभागवत, ये कौन है, ये ना प्रिया सुख से वृषभानु जाया, ये राधा रानी के परम सुख है। ये इनको राधा रानी बड़े सुंदर सुंदर रूप में कथा बोलते हैं, राधा रानी अपने उच्चिष्ट अनार के दाना इनको खिलाते हैं, तो ये भी साधारण नहीं है। और जो श्रवण कर रहे हैं वो कौन है, वो कौन है, साक्षात परीक्षित महाराज, जिनके लिए उत्तरा के समय पे जैसे कृष्ण ने इनको साक्षात रूप में मातृगर्भ में प्रवेश करके कृष्ण ने इनको रक्षा किया है, किस प्रकार कृष्ण का महिमा है। देखो यहाँ पे जैसे परीक्षित महाराज जी जन्म लेने से पहले अस्वस्थ माने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा माता के गर्भ में, तब वहां पे उत्तरा माता ने कृष्ण को स्तुति करते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो यहाँ पे भीम है बड़े क्या गदाधारी, और तुम्हारे पास तो अर्जुन है, ये तो बड़े धनुर्धारी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, बड़े भालाधारी हैं, सारे के सारे योद्धा हैं। अभी अभी इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा महाभारत युद्ध को जीत करके आ रहे, तुमने उनको क्यों नहीं पुकारा, तो बता रहे ये तो मारना काम कर सकते हैं लेकिन ये कभी किसी को प्राण दान नहीं दे सकते हैं, प्रभु आप ही प्राण दान दे सकते हो। तो कृष्ण ने इनके भाव को देख के अपने चार अमोघ अस्त्र को उनके जो गर्भस्थली में स्थापन करवाया, सबसे पहले पद्म को स्थापन करवाया, उसके ऊपर शंख को, उसके ऊपर सुदर्शन को भेजा, और स्वयं भगवान गदा लेके उत्तर माता के गर्भ पे जाते हैं और परीक्षित महाराज जी को रक्षा करते हैं। तो देखो भगवान के एक एक अस्त्र अमोघ है, एक एक अस्त्र इस प्रकार अमोघ है कि ये पूरा का पूरा कभी भी इसको कोई ब्रह्मास्त्र भेद नहीं कर सकता, किसी भी अस्त्र भेद नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी सोच रहे हैं मेरे भक्तों के लिए अगर चार अस्त्र, क्या दुनिया के जितने भी अस्त्र अगर प्रयोग किया जाए ना रक्षा करने के लिए, वो भी कम हो जाएगा। तो ठाकुर जी स्वयं जाके वहां पे गदा प्रहार कर रहे हैं और परीक्षित महाराज जी को गर्भ में ही दर्शन दिया। तो ये परीक्षित महाराज साधारण नहीं है और ये उत्तरा भी साधारण नहीं है, उत्तराच धन्य, ये धन्य है। क्यों धन्य है कि देखा जाता है कि अनेक अनेक जननी होते हैं, अनेक अनेक माताएं होते हैं जो एक साथ या तो भक्तों को अपने गर्भ में धारण करते हैं, वन अनेक अनेक जननी होते हैं जो एक साथ में ठाकुर को अपने गर्भ में धारण करते हैं, लेकिन ये उत्तरा धन्य इसलिए है, इसने एक साथ में ही भक्तों और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए धन्य है। तो बता रहे इस प्रकार जो परीक्षित महाराज जी का महिमा है, इस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी का महाराज महिमा है, तो ये दोनों के दोनों ही भक्त श्रोता भागवत और वक्ता भागवत है। इसीलिए इनके बीच में जो कथन हुआ है, इनके बीच में जो प्रश्न उत्तर हुआ है, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं और किस प्रकार भाव से श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये इसी जो नाम है इसका नाम ही श्रीमद् भागवतम है और इसका बहुत बहुत महिमा है। और गुरुपाद पद्म ने सारे के सारे बात बता दिया, उतना कह गई ऊपर प्रसाद बन गया कि नहीं भैया, प्रसाद बन चुके हैं, अरे खबर लगा प्रभु प्रसाद हो गया बन गया हाँ हो रहा है ना, हो गई सब भूख लग रहा है, आगे बोलो
और 10-15 मिनट कथा सुनना, ठीक है, उसके बाद में प्रसाद भाग देते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो जिस समय श्री गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई, ये गोकर्ण जब कथा कथा में केवल एक ही रथ आया, कितना रथ आया, एक ही रथ आया, सभी के लिए रथ नहीं आया। जब रथ ने या गोकर्ण ने प्रश्न किया, भैया यहाँ तो कथा सुनने के लिए इतने सारे भक्त बैठे हुए, तो यहाँ पर एक ही रथ क्यों आई, सभी के लिए रथ आनी चाहिए था। लेकिन इसका कारण बताए, देखो आप लोग भी ध्यान से सुन लो, रथ किसके लिए आएगा किसके लिए नहीं आएगा, हैं? बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी दिनत्व भावनम मान दोषदयस्ते साम कथायाम निश्चलांपति। बोले कथा सुनने का जो पहला नियम है, बट कथा को एक मन से कथा सुननी चाहिए। कैसे? एक मन से कथा सुननी चाहिए, हैं? इसलिए बोले श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, मैं आज सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे कौन बोल पाता है, एक मन से सुनाना। इसलिए श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, हाँ कहते एक है श्रेष्ठ श्रोता और एक है कनिष्ठ साधारण श्रोता। जो श्रेष्ठ श्रोता अच्छे श्रोता वो भी चार तरह के, कितने तरह के, क्या क्या, हाँ सुन लो कल मेरे को बोलना, ठीक है बच्चों। पहला नंबर हंस, हंस देखे हो, हंस को अगर दूध दोगे ना, वो दूध और पानी को ये अलग कर देता है। कहते श्रेष्ठ श्रोता हुए ही जो जीवन में जैसे हंस क्या करता है, जैसे दूध दूध लेकर के पानी पानी छोड़ देता है, वही श्रेष्ठ श्रोता है जो जीवन में सार सार को तो ले ले और जीवन में असार को जो छोड़ दे। इसलिए कहते ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक होता है मक्खी और एक होता है मधुमक्खी। आप बताओ तो मक्खी कहाँ बैठता है, बोलो, गंदी चीज में बैठती है, और मधुमक्खी कहाँ बैठता है, बोलो नहीं। भले ही देखना कांटा की वृक्ष क्यों नहीं हो, देखना मधुमक्खी अगर फूल होगा ना वहां भी बैठ जाएगा, और वहां से क्या ले लेगा, शहद को लेकर के सुंदर एक छता बना देता है, और जिसकी शहद से ठाकुर को अभिषेक होता है, ठाकुर जी की सेवा में लगता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी। कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया। तीसरा तरह का है मछली, मछली की देखे हो, मछली देखेगी नहीं, कौन कौन मछली देखे हो, मछली देखना लक्ष्य करके देखना, जो मछली का जो आंख है ना वो कभी झपती नहीं, उसको आंख एकदम खुली हुई देखोगे। बोले कथा कैसे सुननी चाहिए मछली जैसे, मतलब टकटकी लगा करके अपलग नेत्र से एक मन से कथा सुननी चाहिए। इसलिए मछली जैसे आंख खुल करके रखती है और कभी ये खीर समुद्र में जैसे आप पलक नेत्र को द्वारा केवल दूध दूध पान करता है, जैसे मछली उसी तरह जो कथा को एक ध्यान से कथा सुनता है। कितना तरह का हो गया, तीन तरह का हो गया। जो चौथा तरह का बता तोता, ये तोता में एक विशेषत्व देखना, किसी कच्चा फल में कभी वो चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है ये पक्का फल कौन और कच्चा फल कौन, उसको पता है, वो केवल पक्के हुए फल में ही चोंच मारेगा। मतलब क्या, बोले भैया मुंह जहां का नहीं माननी चाहिए, ऐसे नहीं दुनिया के लोग बैठे उसकी बुराई उसकी चर्चा उल्टी उल्टी बात हो रहा है वहीं पर मुंह मारो, नहीं पक्के फल में मुंह मारो। मतलब क्या है, कथा बोलेंगे तो कृष्ण का ही कथा बोलेंगे, सुनेंगे तो ठाकुर ही कथा सुनेंगे, दुनियादारी की कोई कथा हम नहीं सुननी चाहिए। इसलिए भागवत में बताए जो लोग इन्हीं कानों में कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, दुनिया की बात करते हैं, वो बील है, जैसे जिस बील में जहरीले सर्प रहते हैं, और जो व्यक्ति कानों में भगवान की कथा सुनते हैं क्या उसका ही कान धारण करना सार्थकता है। कहते चार तरह का हो गए साधारण श्रोता, अच्छे श्रोता, कहते चार तरह का निकृष्ट श्रोता है साधारण श्रोता, कौन कौन है। पहला नंबर है भुरुण, कहते एक चिड़िया ये रहता है हिमालय पर्वत के ऊपर में, इसकी एक विशेषत्व है आप जिस जैसे बोलोगे ना वो सुन मिलेगा, तुम्हें सुना भी देगा, लेकिन करते समय वो उल्टा करेगा, एक अक्षर भी जीवन में
उतारेगा नहीं, सुनेगा सुनाएगा लेकिन जीवन में नहीं उतारेगा। दूसरा नंबर है ऊंट। ऊंट को देखेगी नहीं, कौन कौन देखे हो? सब ऊंट देखे है ना। आप देखना ऊंट को कोई आम की कोमल कोमल पत्ता बढ़िया बढ़िया पत्ता खिलाओ, भाई खाएगा नहीं। और ढूंढेगा बबुल का पेड़ नाम है, किस वृक्ष में कांटा है, वो कांटा वृक्ष को खाएगा। उसको जीभ में जब कांटा चुभ जाती है ना, खून निकलता है, वो अपना खून को खुद खाएगा। खा कर क्या सोचेगा, शायद बबुल कांटा में बड़ा रस है। लेकिन भैया उसमें रस नहीं, तेरे मुंह से खून निकलता है, चुभ करके तुम अपना खून को खुद पी रहे हो। इसका मतलब है कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर ठाकुर को प्यारी प्यारी मीठी मीठी भगवान की कथा हो ना, उसको अच्छी नहीं लगी, तो देखेगा कहाँ चुगली हो रही, दूसरे की बुराई हो रही, पास उसका मन वहीं पर लग गया। इस इनको क्या कहते, बोले ऊंट कहते हैं। तीसरा नंबर है बैल। बैल तो देखे होंगे। अब बैल को बड़े सुंदर सुंदर मीठी मीठी फल दो और उसका घास दे दो, देखना दोनों में ही कुछ फर्क नहीं मानता है, वो दोनों को एक ही मानता है। मतलब भगवान की कथा हो नहीं तो दुनिया की कोई कथा हो, दोनों में जो एक मानता है भगवान कथा, कोई फर्क नहीं समझता है, इसको कहते बैल। और जो चौथा नंबर है भेड़िया। जो भेड़िया ये छोटा जाति का बाघ होता है, उसको पता है हिरणों को मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन वो हिरणों के ऊपर आक्रमण करेगा। हिरण अगर कोई सुलीले शब्द सुने, मीठी मीठी शब्द सुने, उसको कान एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम उसमें तन्मय हो जाता है। उसी समय में भेड़िया क्या करता है, उसी समय उसका आक्रमण करता है। मतलब क्या है, कुछ ऐसे लोग है जिनकी कथा पता से कोई मतलब नहीं, खुद कथा नहीं सुनेगा, लेकिन पास में अगर कोई व्यक्ति बैठ कर कथा सुनता है उसको भी सुनने नहीं दे, बिना कारण से पूछा तेरे घर में क्या हो रहा है, उसका छोरी ऐसे कर रहा था, उसका छोरा ऐसे कर रहा था, हे उसकी सास बहू में लड़ाई, बैठ बैठ कर ना भगवान की कथा में जिनके मन नहीं लगेगा, जो उल्टा पुल्टा बाद में जो सुनने वालों को भी जो सुनने नहीं दे, ये कौन हो गए, भेड़िया। कभी ये चार तरह का कनिष्ठ श्रोता, कभी जो कथा चार तरह का, कितने तरह के, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। कहते हैं सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो अच्छे तरह से सुनेंगे, दो महीना हो कथा सुनेंगे, लेकिन उसको बाद में ना फिर कथा बता से उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, इसको कहते हैं सात्विक कथा। राजसिक कथा किसको कहते हैं, जैसे कथा को बड़ी ठाड़ बाड़ से रखवाएंगे, हैं सबको बुलाएंगे, कथा होगी आओ कथा सुनो कथा में बैठो, लेकिन क्या होता है दूसरों को तो कथा के लिए बुलाएंगे सुनाएंगे, लेकिन खुद कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि तरह तरह का काम में जो बिजी रह जाते हैं। लेकिन कथा रखने का मतलब क्या है, सुख परिखित महाराज जैसे बैठ करके कथाओं को सुननी चाहिए, ये कथा को कहते हैं राजसी कथा है। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा हुई, कभी इच्छा होते हैं तो बैठ गए, कभी इच्छा नहीं हुआ मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आए, कभी आधा में आए, कभी लास्ट में आए, किसी तरह से कथा को सुन लेना, सात दिन को बिता देना, इसको कहते तामसी कथा। लेकिन सही कथा क्या है, निर्गुण कथा किसको कहते हैं, बोले सदा से व्यम श्रीमती भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेना हरि चितं समाश्रय। कर जिसने अपना जीवन को ही कथा बनाया, जैसे घर में नियम करके, अभी सुन रहे थे ना, अगर किसी घर में एक श्लोक भागवत का हो आधा से भी आधा कहीं किस घर में भागवत का श्लोक होना वर्तते साक्षात हरि, वहां पर राधा कृष्ण दोनों ही इसी घर में निवास करते हैं। इसलिए नियम रखो, क्या नियम रखो, गीता हो भागवत हो रामायण हो, नहीं तो किसी भक्तों का चरित्र हो, घर में रोज ये ग्रंथों को पढ़ो, घर में रोज ग्रंथों को पढ़नी चाहिए, नहीं तो अगर हो तो रोज भगवान की कथा सुना, संतों की अच्छे शुद्ध संतों की कथा सुना घर में, क्योंकि जब रोज रोज कथा सुनेंगे ना, जैसे कोई घर है अगर एक दिन ही अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगा हो क्या होगा, वो धूल जम जाती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं गुरु जी से का मंत्र ले लिया, लेकिन रोज रोज हरिनाम कर, रोज रोज कथा सुनोगे ना, जैसे रोज रोज घर में अगर झाड़ी बुहार लगाओगे घर साफ सुथरा रहेगा, अगर रोज रोज कथा थोड़ी थोड़ी सुनेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे एक पौधा लगाया गमला में, अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाए, ये कथा क्या है, पानी देना है, अगर कथा सुनाओगे फिर जो लता भक्ति रूप लता पनपना तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी,
इसलिए क्या करो, जिसने जीवन ही प्रभु की कथा लगा लिया, इसलिए क्या करो, नियम करके गीता की एक श्लोक उसका व्याख्यान करो, भागवत का कुछ अध्ययन करो, नहीं तो गीता कोई भी भक्ति ग्रंथ हो रोज घर में उसको पढ़नी चाहिए। इसलिए और रोज क्या करो, घर में ठाकुर का हरिनाम करो, ठाकुर का आरती उतारो, ठाकुर तुलसी की परिक्रमा करो, अपना हरिनाम को ठीक से करो, जिसने संपूर्ण अपना जीवन वही प्रभु की भक्तिमय बना दिया, यही असली कथा है। इसलिए क्या करो, रोज रोज नियम करके ये भागवत धर्म भक्ति धर्म को जाचन करो, बस जीवन में सुखी में रहो और आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम कथा को कहीं विश्राम कर लेते हैं। कल आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताओ कितने से कितने तक कथा होने पर आप लोग आ सकते हो, बोलो, क्योंकि आप लोगों को घर का काम धाम भी है। इसलिए आप लोग आपस में चर्चा कर लो, कितने आप लोग का जितना समय तो सुविधा होगा ना, आप जैसे बोलोगे हम वैसे कथा को, हाँ वैसे कथा कर देंगे। हमारे राजेंद्र भैया कहाँ गए, है कि नहीं? हाँ, एक बढ़िया भजन सुना दो भैया। हाँ, अब आप लोग आपस में तय कर लो कितने से कितने तक कथा होने पर आप लोग आ सकते हो, उतना से उतना तक कथा करो, 2 से 5। और कौन कौन कह रहे हैं कितने से? 2 से 5 है, ठीक है। आप लोग कथा को मान दिया, हम चाहते आपके घर का भी काम हो और कथा भी हो, बस बढ़िया भेजेगा। हाँ, सब लोग खड़े हो जाना, लोग इतना घूम ले गया, आज बढ़िया प्रचार कर रहे हैं। मेरी करुणा मई सरकार की बात, श्री हरि हर शास्त्री की।
जब बरसाने में मटकी लेके आते ना सांकरी को और सबने देखा।